हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीएलसी का एक और इनिशिएटिव जिसमें हम कवर करने वाले प्रीवियस ईयर्स के जेई के क्वेश्चंस और वो सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको यहाँ से पता लगेगा जेई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और उनको देख करके आप अपने लेवल जो पढ़ाई का है वो भी आप सेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो तीसरी गुरुनीति है फिजिक्स जेई एडवांस के लिए, उसमें हम यूनिट 3 में कवर करने वाले हैं रोटेशनल मोशन टॉपिक से आए हुए सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करते हैं, ये एक इंटीजर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, मास 50 kg, रेडियस 0.4 मीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 10 rads per second अबाउट एन एक्सिस विच इज वर्टिकल। तो यहाँ पे हम जो जो क्वेश्चन में पढ़ते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एक डिस्क है इस तरह से, ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, ओके। देन टू सर्कुलर रिंग ईच ऑफ मास दिस एंड रेडियस दिस आर जेंटली प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द डिस्क इन सच ए मैनर दैट दे आर टचिंग ईच अदर अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क एंड आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो लार्ज इनफ है ताकि डिस्क जो है वो उसके साथ साथ रिंग भी घूम सके। तो आपको बताना है कि एंगुलर स्पीड क्या होगी रेडियन पर सेकंड में। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, इसी सिस्टम पे हमने दो डिस्क और प्लेस कर दी। तो यहाँ पे हमने दो रिंग हमने और यहाँ पे पुट की हुई है। तो दो रिंग हमने इस तरह से यहाँ पे पुट कर दी, ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम अभी भी रोटेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो डिस्क है वो तो घूम ही रही है, साथ के साथ अब यहाँ पे ये रिंग भी हमने प्लेस कर दी, तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा ना। तो देखें, टॉर्क एक्सटर्नल 0, इट मीन्स एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल, ओके। अब एल फाइनल एल इनिशियल जो है वो इक्वल करना है हमें। हमें पता है कि एल फाइनल कितना होगा इस पूरे सिस्टम का इनर्शिया, ठीक है, और ये ओमेगा फाइनल स्पीड मान लेते हैं। तो एल फाइनल हो जाएगा मेरे पास आई नेट ओमेगा फाइनल और आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। आई नेट में कौन कौन आएगा बेटा, एक तो रिंग घूम रही है, दो रिंग घूम रही है और एक डिस्क घूम रही है। तो यहां पे आ जाएगा डिस्क का इनर्शिया हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस एक रिंग का इनर्शिया कितना हो जाएगा, सेंटर के अबाउट तो होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन जो रिंग है उसके लिए एक्सिस कौन है, सेंटर से जाने वाली। देखो रिंग को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जो रिंग है ना ये इस तरह से है ना, ये रिंग, और इसके लिए एक्सिस ये वाली है और इसकी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ये है। तो ये जो डी डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है। तो इस रिंग का इनर्शिया क्या जाएगा, आई रिंग जो आएगा वो आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई सी एम आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये आएगा 2 mr². तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी एम आर स्क्वायर एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अब ये 2 लिख दिया तो 2 को हटाते हैं ना, 2 लिखाने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई नेट। अब ये जो है, अब इसमें फिर ये तो हमारे पास इनर्शिया आ गया, अब इसमें फाइनली ये ओमेगा फाइनल आई क्या आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा इनिशियल। अब इस जगह केवल आपको वैल्यू पुट करनी है ना, वैल्यू पुट करने से आपका आंसर आएगा। तो एक बार मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, हाफ एम कितना है 50, आर स्क्वायर कितना है 4/10 यानी कि 16/100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4, ओमेगा कितना दिया हुआ आपको 10, तो यहाँ ये आ जाएगा 4 × 10, ये कितना आएगा 4 प्लस एक रिंग का इनर्शिया कितना आएगा, रिंग का आएगा मेरे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा ना क्योंकि दो रिंग है, इसलिए भैया तो एक रिंग का इनर्शिया 2 mr², ऐसी दो रिंग है, तो
तो ट्वाइस ऑफ ये कितना रहेगा, 2mr2, मतलब कि 2m कितना दिया आपको, 6/25 यानी कि 25/4, और r कितना दिया हुआ इन्होंने 0.2 यानी कि 2/10 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 225/4, 4/100। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल आउट, 100 से 100, हाफ एक रिंग का इनर्शिया आएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 2+ 1/2, दैट्स इट, ओमेगा फाइनल। तो 2 और 5, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, 40/5, दिस इज 8। तो फाइनल स्पीड जो है वो 8 के इक्वल होगी। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपको यहां पे लगाना था। ओके बच्चों, तो नोट करें इसको। बच्चों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक लेडर दिया हुआ है मास m की, जिसको एक दीवार के सहारे रखा हुआ है, और इस दीवार में दोनों, दीवार और फ्लोर दोनों पे फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 μ2 है, और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा आपको दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग केसेस, जब μ1 0 यानी कि दीवार का फ्रिक्शन 0 हो वो वाला केस, या फिर दोनों केसेस में जब फ्रिक्शन हो तब के लिए आपसे n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पूछी गई है। तो एक बार हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे ये दीवार, और इसके साथ हमने एक लेडर को, एक रॉड या लेडर जो भी आप बोलना चाहो उसको हमने रखा हुआ है। ओके, तो ये लेडर यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें अलग अलग फोर्सेस जो लग सकते हैं। एम जी लगेगा, ये एंगल थीटा है। पहला केस हम ले रहे हैं जिस केस में म्यू वन की वैल्यू 0 है और म्यू 2 नॉन 0 है। ओके, म्यू वन जहां 0 है वो वाला केस। तो देखो म्यू वन कौन सा, ये वाली सरफेस का फ्रिक्शन था, दैट इज 0। म्यू 2 ये वाली सरफेस का फ्रिक्शन था, नॉन 0। अब इस केस में देखो एन 2 ऐसे सरफेस का नॉर्मल लगेगा, इधर से कौन लगेगा एन 1, इधर से कौन लगेगा फ्रिक्शन। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ओके, अब इस केस में जैसे ही दोनों तरफ से हमें फोर्सेस पता लगे, सबसे पहले हम यहां पे केस इक्वेशन बनाते हैं, एफ नेट इक्वेशन। भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा उसके सारे फोर्सेज आपस में कैंसिल करने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास एन 2 जो है वो तो किसको बैलेंस कर देगा, एम जी को। इजिली एन 2 तो देखो आ गया हमारे पास, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। एन 1 किसको बैलेंस करेगा, एन 1 बैलेंस करेगा एफ आर। इस एफ आर जो है देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना ये, तो हमेशा, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए हम यहां पे इस फ्रिक्शन को नाम दे देते हैं 1। तो यहां पे ये एफ 1 जो है, ये एफ 1 यहां पे एक्ट कर रहा है। ये एफ 1 किसको बैलेंस करेगा बेटा, एन 1 को। तो F2 जो है वो N1 को बैलेंस करेगा। अब F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ2N2। ओके, तो N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू है मेरे पास μ2mg। ओके, तो ये N1 हो जाएगा μ2mg। अब हम बात करते हैं यहां पे टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क नेट इक्वेशन क्या कहती है, टॉर्क नेट इक्वेशन ये कहती है कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसका मतलब देखिए बेटा, यहां पर जैसे ये हम पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कैसा आएगा, mg का टॉर्क आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, और नॉर्मल का टॉर्क कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैंसिल कर देना चाहिए। हम पॉइंट ए के अबाउट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो फोर्स तो पॉइंट ए पे लग रहे हैं इसलिए उनका खुद का टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं टॉर्क इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहां पे वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 लिखने के लिए हमें कम से कम फोर्स का टॉर्क लिखना पड़े। क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है बेटा, mg का, mg L/2
cos theta, that is perpendicular distance of mg from this point, and normal this is what n1 l sin theta. Theta l से l कट जाएगा तो n1 कितना आ जाएगा मेरे पास mg by 2 cos by sin cot theta. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो n1 is mg by 2 cot theta, या आप cot theta को इधर लेके आओ तो आप ऐसे भी बोल सकते हो mg by 2 और cot theta इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan theta. तो tan theta n1 equals to mg by 2, ये आपका थर्ड ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन है जो आपको दिया हुआ है. तो पहला वाला केस तो वो था जिसमें दीवार का फ्रिक्शन आपको जीरो मानना था और सरफेस का फ्रिक्शन मानना था. ध्यान रखना बच्चों, सरफेस का फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं बोलेंगे, सरफेस तो फ्रिक्शन वाली होनी ही चाहिए, वरना इस n1 को कैंसिल कौन करेगा, है ना. दीवार पे फ्रिक्शन एब्सेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि mg को बैलेंस करने का काम वैसे भी n2 कर रहा है, लेकिन यहां पे ये फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज फिर n1 को कैंसिल कौन करेगा, फिर तो n1 भी तो कैंसिल होना चाहिए, इसलिए f2 तो होना ही पड़ेगा, ठीक है. इसीलिए उन्होंने μ2 इक्वल्स टू जीरो वाला ऑप्शन कोई बनाया ही नहीं, क्योंकि बनेगा भी नहीं, ठीक है. तो एक तो अपन ने ये केस डिस्कस कर लिया जब μ1 जीरो था. अब दूसरे केस की बात करते हैं जब μ1 भी नॉन जीरो हो, है ना. जब μ1 भी नॉन जीरो हो तो उस केस में देखें बेटा, ये भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होने के से यहां एक फ्रिक्शन आ जाएगा F1 आ गया. अब जैसे ये F1 आएगा फ्रिक्शन नॉन जीरो की वजह से, अब मेरे पास फोर्स इक्वेशन में क्या क्या बचेगा बेटा, N1 तो mg को बैलेंस कर ही रहा था, N2 तो कर ही रहा था, साथ में अब फ्रिक्शन भी बैलेंस करने में मदद करेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन तो एज इट इज बनेगी, N1 और F2 अभी भी बैलेंस हो रहे हैं, तो N1 F2 बैलेंस हो रहे हैं, है ना. लेकिन अब F2 जो है उसको मुझे μN2 लिखना पड़ेगा, और N2 अकेला mg के बराबर नहीं है, तो थोड़ा सा ये चेंजेस हो गए इक्वेशन में, है ना. अब ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. थर्ड इक्वेशन में वापस टॉर्क लेना है, तो ये F1 का टॉर्क भी किधर आएगा, F1 अपना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना. तो F1 का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा यहां पर. अब देखो टॉर्क इक्वेशन में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में N1 के साथ साथ अब मुझे F1 का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा F1, और ये डिस्टेंस कितनी F1 की, इससे L cos थीटा, ये साथ में एक इक्वेशन और आ जाएगी प्लस में, ठीक है. अब बाकी इसको अपन को सॉल्व करना है बचे हुए को, है ना. तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करके अपन यहां पे लिखेंगे. तो N1 को मैं लिखूंगा μN2, ओके, और F1 को लिखूंगा μN1. तो यहां लिखेंगे mg cos theta by 2. N1 को मैं क्या लिखूंगा यहां से μ2N2, है ना. और L से देखो L तो कट जाएगा, सारे L कट जाएंगे, है ना. तो N1 है μ2N2 sin theta, ठीक है, प्लस F1 कितना है बेटा μ1N1 cos theta, और N1 की वैल्यू वापस क्या रखूंगा μ2N2, तो ये आ जाएगा मेरे पास μ2N2 sin theta प्लस μ1N1 की वैल्यू है μ2N2 cos theta. तो यहां और ये क्या हो जाएगा बेटा mg by cos theta by 2. इसमें देखो केवल एक ही अननोन है n2, तो n2 क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से μ2 sin theta μ1 μ2 cos theta n2 एंड दिस इज mg by 2 cos theta, ओके. अब यहां से हमें N2 और F1, तो N2 और यहां पे क्या आया था मेरे पास F1 आया था, ठीक है. तो N2 की जगह तो N2 लिख दिया अपन ने, N1 की जगह अपन ने लिखा μ2N2. इसको अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस की मदद से, तो N2 आएगा मेरे पास mg by 2 cos theta μ1 μ2 cos theta प्लस
म्यू टू साइन थीटा, ये मेरे पास एन टू की वैल्यू। अब हमें जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करना है उसमें एक बार तो अपन कॉस थीटा को हटाते हैं, तो कॉस थीटा को अगर हम हटाएंगे तो कॉस थीटा कॉमन लेके डिवाइड कर दो इसमें, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ये कॉस थीटा यहाँ से भी कटेगा तो यहाँ आ जाएगा म्यू वन म्यू टू प्लस म्यू वन कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, ये आ रहा है एन टू की वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट रॉड को जब रखेंगे तो रॉड जिस सरफेस पर रखी हुई है उसमें दीवार का भी अब फ्रिक्शन आपको काउंट करना है। तो दीवार का फ्रिक्शन भी अगर हम काउंट करेंगे तो ये रॉड कुछ इस तरह से रखी है हमारे पास। अब इसमें दीवार का फ्रिक्शन भी हमें लेना है, तो देखो यहां पे हम सारे फोर्सेस को एक बार दिखा देते हैं। ये तो लगेगा N2, ये लगेगा F1, F2, फिर इधर से लगेगा F1, ये लगेगा N1, तो और ये लगेगा Mg। हमें यहां पे N2 की वैल्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें N2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो F1 को कैंसिल करेंगे, तो F1 प्लस N2 मिला के किसको बैलेंस करेगा, N1 प्लस N2 मिला के बैलेंस करेगा Mg को। ओके, फिर इसके बाद N1 किसको बैलेंस करेगा, F2 को। F2 की वैल्यू क्या है, म्यू टू N2। फिर इस वैल्यू को मैं वापस इक्वेशन वन में काम लूंगा, तो इक्वेशन वन में क्या आ जाएगा मेरे पास, F1 आएगा म्यू वन N1, N2 आएगा म्यू टू N2 की जगह, तो N2 आ जाएगा ना, ठीक है, N2 की जगह N2 आ जाएगा प्लस इक्वल्स टू Mg, तो इक्वल्स टू Mg आ गया। तो F प्लस N2 इक्वल्स टू Mg, F1 की वैल्यू मैंने डाल दी म्यू वन N1, और N1 की वैल्यू क्या डालेंगे हम, म्यू टू N2। प्लस N2 इक्वल्स टू Mg, तो इस केस में N2 आएगा, यहां पे N1 हमने डाल दिया, N2 डाल दिया, तो N2 क्या हो जाएगा, म्यू वन, सॉरी ये तो म्यू टू है ना, हाँ म्यू वन म्यू टू प्लस वन इक्वल्स टू Mg, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा Mg अपॉन वन प्लस म्यू वन बाई म्यू टू। तो देखो ये वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, और जो अभी अपन ने पहले निकाला था जो ऑप्शन निकाला था वो तो मैच कर ही नहीं रहा था, तो अपना जो N2 वाला ऑप्शन है वो ये वाला कौन सा दिया हुआ है इसमें, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजों को मैच करना था इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके बच्चों, नोट करें एक बार यहां तक, बच्चों अगला थर्ड क्वेश्चन आता है, ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें बात करिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक डिस्क टाइप है, तो इसका मास आपको दिया हुआ है, इसके लिए रेडियस आपको दिया हुआ है, और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अपनी एक्सिस के अबाउट। यहाँ से बोल रहे हैं कि मासलेस स्प्रिंग टॉय गन जो है इसमें हमने फिट कर रखी है, और स्टील बॉल जिसका मास इतना है अटैच टू प्लेटफॉर्म एट डिस्टेंस दिस, है ना, तो सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे प्लेटफॉर्म से हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है, और दोनों डायमीटर के अपोजिट साइड है, मतलब सेंटर के अपोजिट साइड डायमीटर पे, ठीक है। फिर इच गन साइमल्टेनियसली फायर बॉल हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर डायमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर लीविंग प्लेटफॉर्म, द बॉल्स हैव हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 9, है ना, मतलब यहां से 9 की स्पीड से, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा टॉप व्यू दिखाता हूं, है ना, ये यहां पे एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क में आपने डायमीटर पे दो मास रखे हुए थे, और एक मास जो है वो यहां से एम वी मोमेंटम के साथ फायर किया, दूसरा मास आपने ये भी एम वी मोमेंटम के साथ फायर किया, बट यहां पे जो डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर पे ही तो एक्सेस आ रही है, वो डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं,
तो ये दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एक्सिस के अबाउट, वो एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, वो एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज मिला है दोनों की वजह से बुलेट्स को। बुलेट्स को अगर क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम मिला है तो डिस्क को उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी फायरिंग हुई उस प्रोसेस में इंटरनल फोर्सेस लगे हैं, इंटरनल फोर्सेस इक्वल जितना इस पे लगा उतना ही अपोजिट में इस पे लगा, तो ओवरऑल नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन उन दोनों की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा डिस्क पे जो इस डिस्क को अपोजिट घुमाने का काम करेगा। तो जब ये दोनों बुलेट्स ऐसे गई ना तो ये डिस्क जो है वो अपोजिट में घूमेगी, तो डिस्क में फाइनली क्या होगा, डिस्क को एक एंगुलर स्पीड मिल जाएगी इस तरह से। ओके, फायरिंग के बाद तो हम यहां बोल सकते हैं एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसका लिखेंगे हम, बुलेट्स का, एम वी आर प्लस एम वी आर, ये तो बुलेट का मोमेंटम है ना, और जितना बुलेट को मिला है उतना ही अपोजिट में डिस्क को भी मिलेगा ओमेगा। तो इससे ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास, टू एम वी आर डिवाइड बाई आई। चलो हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं, टू, मास ऑफ ब्लॉक इज 0.05, वी इज व्हाट 9, स्पीड 9 थी, आर की वैल्यू कितनी है, यहां पर आर दिया हुआ है हमें रेडियस, सॉरी स्मॉल आर दिया हुआ है 0.25। फिर आई क्या हो जाएगा, हाफ, एम कितना दिया हुआ है 0.45 और आर स्क्वायर मतलब कि 0.505 का स्क्वायर। अच्छा इसमें रेडियस जो है वो 0.5 है, सॉरी, तो यहां पे ये आ जाएगा 0.5। ओके, अब यहां पे देखो बच्चों, इसको आप पूरा कैंसिल करोगे इससे, है ना, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 0.25 के स्क्वायर से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरा आंसर बचेगा 4। इसका मतलब जो डिस्क को एंगुलर स्पीड मिलेगी दैट विल बी 4 रेडियन पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, इजी है भी, तो इजीली आपका यहां पे जो है ये आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वापस डिस्क दी गई है और इसमें मास और रेडियस इसके लिए गिवन है आपको, फिर ये बोल रहे हैं कि इस पर हमने 3 फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई कर दिए। देखो किसी भी डिस्क पे जब आप ऐसे टेंजेंशियली फोर्स, टेंजेंशियल नहीं, आप इसकी साइड लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हो तो जो फोर्स है वो आपने ऐसे अप्लाई किया है डिस्क पे, ये टेंजेंशियल नहीं है ध्यान रखना। तो इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट जो ये डिस्टेंस होगी यही यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना। अब ये चीज क्या है, ये चीज है रेडियस और ये चीज क्या है, ये है 30 डिग्री एंगल। तो आर परपेंडिकुलर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होगा बेटा, ये देख लो, आर परपेंडिकुलर विल बी आर साइन 30, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको 0.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2, तो दिस इज 1/4, तो 1/4 तो आर परपेंडिकुलर। ऐसे 3 फोर्स आपने लगाए है ना, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, अब तीनों फोर्सेस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उतनी है ना, तो नेट टॉर्क कितना आएगा बेटा, नेट टॉर्क विल बी आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ऐसे 3 फोर्स हैं तो 3 × 1/4 इंटू एफ, एफ इज वॉट, एफ इज 0.5, सो दिस इज 1/2, 1/4, 1/8, दिस इज 3/8 न्यूटन। ये तो आ गया टॉर्क। अल्फा कैसे निकालेंगे बेटा, अल्फा हो जाएगा टॉर्क बाय इनर्शिया, टॉर्क इज 3/8 एंड इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क का इनर्शिया होता है तो हाफ एम की वैल्यू 1.5 दैट इज 3/2 एंड आर स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर।
तो 1/2 स्क्वायर, 1/2 8, 8 से 8 खत्म, 3 से 3 खत्म, इट विल बी 2। तो अल्फा इज 2। अब आपसे क्या पूछा है, 1 सेकेंड बाद इसकी आपको एंगुलर स्पीड बताना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ ना सर्कुलर डायनेमिक्स में, ठीक है, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में। तो ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा नॉट 0, अल्फा कितना है बेटा 2 और 1। तो फाइनली मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क आफ्टर 1 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ नेट टॉर्क निकाल के एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, एंड देन उसके बाद काइनेमेटिक्स की जो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन हम यूज करते हैं वो आपको लगानी है। ओके बच्चों, तो इससे अपना आंसर बन जाएगा 2। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल करती हुई दिखाई गई है विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सर्फेसिस ए बी एंड सी डी, स्टार्टिंग एट ए एंड सी विद लीनियर स्पीड वी वन एंड वी टू, एंड ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेसिस। और बाद में जब ये बी ओ डी पे जब डिस्क पहुंचती है तो इनके लिए है ना सेम स्पीड हो जाती है वी वन विद सेम स्पीड एंड वी वन इज 3, तो आपको वी टू बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो फाइनली जब डिस्क यहाँ पहुँचेगी तो इनकी स्पीड सेम है, सपोज कुछ वी डैश और इसके लिए भी स्पीड कुछ मान लिया वी डैश। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब इसी लेवल को मैं रेफरेंस मानता हूँ तो इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम है ना। देखो दोनों सेम लेवल पे और सेम काइनेटिक है, तो सेम ऑब्जेक्ट सेम काइनेटिक से मूव कर रहे हैं, मतलब टोटल एनर्जी दोनों की सेम है। टोटल एनर्जी 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2, फाइनली यही हुआ ना। अब टोटल एनर्जी अगर इक्वल है तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी इक्वल है, तो इसका मतलब इनिशियल भी इक्वल रही होगी, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल 1 + mgh, जो mgh है वही तो कन्वर्ट हुआ होगा ना वापस काइनेटिक में, ये जब नीचे आएगी तो ये जो mgh है वो भी कन्वर्ट होगा। इधर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इनिशियल किसकी, 2 वाले की, प्लस MgH2, यही कन्वर्ट हुई होगी ना। टोटल एनर्जी में यहां पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, है ना भाई, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसके पास है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहां, इसको काइनेटिक बोल देते हैं अपन और इसको भी काइनेटिक बोल देते हैं। तो काइनेटिक क्या होगा, तो ध्यान रखना रोलिंग काइनेटिक, तो रोलिंग काइनेटिक क्या होती है मेरे पास, 1/2 m v1 स्क्वायर 1 + k² / r² प्लस mgh1। इधर क्या हो जाएगा, 1/2 m v2 स्क्वायर 1 + k² / r² प्लस mgh2। नाउ m तो देखो सब में सेम है ना, तो m कट जाएगा है ना। वी वन स्क्वायर हाफ 1 + k² / r² डिस्क के लिए कितना होता है, 3/2, बट डिस्क के लिए k² / r² की वैल्यू होती है हाफ। k इज वॉट, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो डिस्क के केस में ये हो जाएगा 3/2, तो क्या आएगा मेरे पास, 3/4 v1 स्क्वायर जी, h1 कितना है 30, और ये हो जाएगा हाफ 3/4, तो 3/4 ये 3/2 और 2, 3/4 v2 स्क्वायर जी h2 दैट इज 27। अब यहां पे देखो आपको v1 की वैल्यू भी पता है, आपको केवल v2 निकालना है ना। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपन, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, 3/4 v1 विज वॉट 3 स्क्वायर 9 प्लस g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, दिया हुआ है g 10 लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 300 3/4 v2 स्क्वायर प्लस 270। तो 270 इसको आप माइनस करोगे तो 30, तो ये हो जाएगा 927/4 प्लस 30 3/4 v2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये v2 यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 147
डिवाइड बाय 4, 3 बाय 4 वी टू स्क्वायर। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, वी टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 147 बाय 3। सॉल्व करने पे कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 4 और 9, 49। तो वी टू स्क्वायर 49, मतलब कि वी टू कितना हो जाएगा इससे, वी टू हो जाएगा 7। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वी टू की वैल्यू, तो वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 7। और ये अपना यहाँ पे आंसर बन जाएगा 7। ओके, फिफ्थ का आंसर हो गया, नोट करें बेटा यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में आपको एक रिंग दिया हुआ है जिसका मास एम, रेडियस आर है, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, जिसको हम रिंग की एक्सिस बोलते हैं, नॉर्मल जो एक्सिस होती है बाय डिफॉल्ट, विद टू पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास एम बाय 8 एट रेस्ट एट सेंटर ओ। तो शुरुआत में क्या है, इसके जो मासेस थे सेंटर पे थे, बाद में क्या हुआ, दीज मासेस कैन मूव रेडियली आउटवर्ड अलोंग टू मासलेस रॉड फिक्स्ड ऑन द रिंग एज शोन। दो रॉड ऐसे अपन अटैच कर दी। एट द इंस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम इज 8/9, वन ऑफ द मास इज ए डिस्टेंस 3। तो दूसरे मास की डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पे एक मास की डिस्टेंस तो आपको 8/9 बोल दी, सपोज ये R1 है और ये R2 आपसे पूछा है। तो इस पूरी प्रोसेस में देखो, मास अगर रेडियली बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, तो जो भी मास बाहर जा रहे हैं वो सिस्टम का इंटरनल है प्रोसेस। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तो टॉर्क एक्सटर्नल इज 0, इट्स का मतलब एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल, है ना। अब एल फाइनल देखो, शुरुआत में मास सेंटर पे थे, है ना, फाइनली वो दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर वन स्क्वायर स्मॉल एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये तो टोटल इनर्शिया, एंड दिस इज ओमेगा। शुरुआत में क्या आएगा, एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा, ये ओमेगा डैश। अब इसमें केवल आपको वैल्यू डालनी है, इतना सा कंसेप्ट है बेटा, है ना। स्मॉल एम की वैल्यू कितना दिया आपको, एम बाई 8, ओके, तो एम बाई 8, आर कितना दिया हुआ आपको, एक की डिस्टेंस दिया हुआ है 3/5 आर का स्क्वायर, ये एम, इसको आर टू, हमें पता नहीं आर टू कितना है, ये एम आर स्क्वायर। ओमेगा डैश कितना दिया हुआ आपको, ओमेगा डैश दिया हुआ है ओमेगा बाई 8, ओमेगा बाई 8 ही दिया हुआ है, नो 8 ओमेगा बाई 9, तो यहाँ पे ओमेगा डैश की वैल्यू दी हुई है 8 ओमेगा बाई 9, तो 8 बाई 9 ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब इस केस में आपको सॉल्व करना है, तो चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसमें भी बेटा m by 8 आएगा ना, मास तो ये भी m by 8 है रिंग का, तो है ना। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है, तो ओमेगा से तो ओमेगा खत्म हो जाएगा, ये कितना आएगा मेरे पास, m by 8 r2 square प्लस, देखो 9 by 25 और 8, तो ये हो जाएगा 9 25 into 8, यानी कि 200 r square और m प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, 9/8 एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/8 एम आर स्क्वायर। ओके, अब एम आर स्क्वायर तो अपन माइनस कर देंगे, तो इधर आ जाएगा एम बाई 8 आर टू स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इसमें माइनस होगा, तो 1/8 माइनस 9/200। ओके, एम आर स्क्वायर, तो 1/8 माइनस 9/200, इसको 1/8 के लिए अपन 25 लिखेंगे, माइनस ऑफ 9 डिवाइड बाई 200 इज वॉट एम आर स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा, एम बाई 8 आर टू स्क्वायर, एम से एम खत्म, 8 से ये कितने बार कटेगा, 25 टाइम्स। फिर जब आप लिखोगे यहाँ से, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, आर टू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, आर टू स्क्वायर आएगा 16/25 कैपिटल आर स्क्वायर, इसका मतलब आर टू विल बी
तो आर टू इज वॉट 4/5 R, ये फाइनली अपने पास जो डिस्टेंस आएगी वही आ जाएगी। ओके तो ये इजी क्वेश्चन था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो अपन ने अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई एडवांस के हिसाब से। ओके बच्चों है ना, एंगुलर मोमेंटम पर आगे भी काफी क्वेश्चन आने वाले, एक बार आप यहां तक नोट करें। अगले क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ टू सॉलिड स्फीयर एंड बी ऑफ द सेम रेडियस वेरी विद रेडियल डिस्टेंस दिस रो बी इज के आर अपॉन आर टू पावर 5। तो दो के लिए डेंसिटी आपको गिवन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर पासिंग थ्रू देयर सेंटर इज आई एंड आई बी। तो यहाँ पे ये सिंपल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे दो डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एक तो कौन सा है बेटा, रो ए इज वॉट के आर बाई आर है ना, एंड रो बी क्या आ जाएगा, रो बी आ जाएगा मेरे पास के आर अपॉन आर टू द पावर 5। तो ये 5 पावर के साथ वेरिएशन और एक सिंगल पावर के साथ वेरिएशन, इसमें हमें सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो वाइज। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सॉलिड स्फीयर का हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एलिमेंट मानते हैं, एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक आप यहाँ पे स्फेरिकल शेल मानोगे, ये स्फेरिकल शेल जो है इसकी रेडियस हम स्मॉल रखेंगे, थिकनेस भी इस रेडियस रखेंगे कुछ स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस काफ़ी कम होगी डी आर। ओके तो यहाँ पे जो एक्सेस है इसके अबाउट एक होलो स्फेरिकल शेल का इनर्शिया डी आई क्या हो जाएगा, डी एम होलो स्फेयर का होता है 2/3 आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो दिस इज 2/3 डी एम आर स्क्वायर। ओके डी एम कैसे लिखोगे आप, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। नाउ रो क्या है, के आर बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, इधर भी तो आर स्क्वायर आएगा ना, देखो रो डॉट डी वी इससे तो क्या आएगा डीएम, और आर स्क्वायर पीछे भी है ना, तो अब देखो ये आर कितनी बार आ गया, 2, 2, 4, 5 पावर, बाकी सारे तो कांस्टेंट है ना, तो बाकी सारे कांस्टेंट को मैं सी लिख देता हूँ और आर की पावर 5 डी आर लिख देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा डी आई। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा तो आई वन कितना आ जाएगा, सी आर टू दी पावर 6/6 जीरो से कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा सी आर 6/ अच्छा इसमें मैं कैपिटल आर को अवॉइड कर रहा हूँ, सी बाई आर लिख रहा हूँ ना, सी में बाकी ये 2/3 के 4 पाई ये सब रखा तो सी बाई आर लिख देते हैं, तो ये सी बाई 6 R, तो ये कितना हो जाएगा सी आर 5/6, ये तो आई वन आ गया। इसी तरह से जब आप आई टू निकालोगे तो ये स्टेप तो सेम है, यहाँ से तो चेंज आएगा आई टू में भी, तो डी आई टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3 के आर अपॉन कैपिटल आर की पावर 5 ओके 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर एंड आर स्क्वायर अगेन। तो यहाँ पे बाकी सारा तो कांस्टेंट है ना, अब यहाँ पे आर सी कांस्टेंट डिवाइड बाय आर की पावर 5 और साथ में क्या बचेगा आर की पावर, देखो 2, 2, 4 और 5 पावर, तो 9 पावर हो जाएगी डॉट डी आर। सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन करना है मुझे डी आई टू का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा सी अपॉन आर की पावर 5, ये हो जाएगा आर की पावर 10/10 0 टू कैपिटल आर, इंटीग्रेट करोगे तो सी आर की पावर 5 आर की पावर 10/10 एंड इट वुड बी सी आर 5/10। अब देखो बेटा यहाँ पे जो रेशियो आपका आएगा वो आएगा आई वन बाई आई टू, दिस इज वॉट सी आर 5/6 एंड दिस इज सी आर 5/10, तो इट वुड बी 10/6। और हमें यहाँ पे जो कंपेरिजन करवाया था वो n बाई 10 लिख के किया हुआ था आई बी बाई आई ए, तो आई बी बाई आई ए मतलब आई टू बाई आई वन हमें बताना है, तो आई टू बाई आई वन कितना हो जाएगा इस केस में 6/10। अब यहाँ इन्होंने इसको लिखा था n बाई 10, तो यहाँ 6/10 और n बाई 10 कंपेयर करोगे तो n कितना आएगा बेटा, n आ जाएगा 6।
तो ये सिक्स्थ यहाँ पे अपना ऑप्शन बन जाएगा सेवन्थ का। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके चलो नोट करें एक बार इसको बच्चों। यहाँ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, जो कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको एक यूनिफॉर्म वुडन स्टिक दिया हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें मास डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, मतलब सेंटर ऑफ मास आपको बीचों बीच मानना है। ओके तो यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ एक्स 1.2 kg लेंथ एल रेस्ट इट इन एन इंक्लाइंड मैनर ऑन ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। देखो वॉल जो है ना स्मूथ है, ध्यान रखना, ऑफ हाइट एच लेस देन एल, इसकी हाइट दीवार की हाइट जो लेंथ से कम है, सच दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ स्टिक एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉल। द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर द स्टिक एंड स्टिक मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल एंड बॉटम ऑफ द स्टिक। देखो 30 डिग्री विद द वॉल, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्टिक का वॉल से एंगल 30 है, बॉटम एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक ऑन रफ फ्लोर, फ्लोर रफ है, फ्लोर तो रफ होना ही पड़ेगा। द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि जितना रिएक्शन वॉल ने लगाया उतना ही फ्लोर भी लगाएगा। ठीक है, द रेशियो एच बाई एल एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एट द बॉटम ऑफ द स्टिक क्या होगा? चलो जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको यहां पे हम बनाते हुए, यूज करते हुए एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कोई भी दीवार और उस पे हमने एक स्टिक को यहां पर अरेंज किया हुआ है। तो एक स्टिक बनाते हैं, ये स्टिक हमने बना दी। अब इस स्टिक पे हमें कुछ फोर्सेस और लगाने हैं। सबसे पहले तो ये जो दीवार फोर्स ग्राउंड ने लगाया, ये एंगल 30 दिया हुआ है। ओके ये नॉर्मल 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, जितना दीवार का ये एंगल होगा उतना ही वॉल का भी, नॉर्मल का भी एंगल होगा। ठीक है, अगर ये वर्टिकल से इतना एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये एंगल जो है यहां पर, ये अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 इस केस में। तो ये जो कंपोनेंट यहां पे इस नॉर्मल का आएगा वो आएगा एन कॉस 60, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 90 बनेगा ना, रॉड के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल आ गया, है ना। ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। ओके अब साथ में यहां पे फ्रिक्शन भी लगेगा। हमें ये नहीं पता कि कितनी लेंथ इधर बाहर निकली हुई है, तो इन्होंने बोल दिया कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ, तो मैंने मान लिया कि एक्स लेंथ अभी बची हुई है, दीवार की हाइट एच है। ओके ये दिया हुआ है, साथ में एक एमजी का फोर्स और लगेगा। एमजी का फोर्स तो L/2 पे लगना ही है, तो ये एम जी, ये डिस्टेंस L/2 होगी यहां तक, और ये एंगल कितना होगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, जो कि 60 के इक्वल होगा। ओके सबसे पहले हम फोर्स इक्वेशन की बात करेंगे। तो फोर्स इक्वेशन में देखिए, जो एन है प्लस जो एन कॉस 60 है वो किसको बैलेंस करेंगे, एम जी को, फोर्स इक्वेशन में। यानी कि एन प्लस एन बाई टू दिस इज एम जी, तो 3n/2 इज एम जी। सो एन इज वॉट, 2/3 mg, ये तो आ जाएगा फोर्स। ठीक है एन की वैल्यू। अब हमें ये भी देखना है कि जो एन का कॉस 60 के बजाय साइन 60 कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा फ्रिक्शन को। तो एन साइन 60 विल बैलेंस फ्रिक्शन, एन साइन 60, तो यहां एन की वैल्यू रख दो 2/3 mg, साइन 60 दैट इज √3/2 एंड दिस इज फ्रिक्शन। तो दिस इज व्हाट, एम जी अपॉन 3 mg/√3, इट इज व्हाट, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को यहां पर हमें लिखना है किसकी टर्म्स में, हमें यहां पे फ्रिक्शन की जो एम की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6, तो यहां पे आ जाएगा 1.6 tan/√3, दिस इज एफ एस। तो फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा, 16/√3।
अब 16 बाई रूट थ्री जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो दिस इज व्हाट 16 रूट थ्री बाई थ्री। तो ये आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है और 2 में दिया हुआ है और फर्स्ट में भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में से कोई एक सही होगा। अब हमें एच और एल का रेशियो भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहां टॉर्क इक्वेशन और अप्लाई कर देते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन जब आप लगाओगे, किसके अबाउट लगाएं हम, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिसके अबाउट काफी सारे फोर्सेस जीरो हो जाएं। तो टॉर्क इक्वेशन अबाउट ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए जीरो, तो ए के अबाउट टॉर्क किसका आएगा, एम जी का आएगा एल बाई टू कॉस थीटा, और n का टॉर्क कितना आएगा, n इंटू एक्स, क्योंकि देखो n रॉड के परपेंडिकुलर और a से x डिस्टेंस पे है ना, तो यहां mg की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 l by 2 cos थीटा, ये कितना है 60 है ना, थीटा की वैल्यू 60 है ध्यान रखना इस केस में, तो ये हो जाएगा cos 60 1 by 2, दिस इज व्हाट n इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से और x और h में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि x का जो cos 30 कंपोनेंट होगा वही तो h होगा, तो यहां से मैं n की वैल्यू को लिखूंगा 2 बाई थ्री mg, तो इसको मैं लिखूंगा 2 बाई थ्री, एक बार इसको mg रहने देते हैं यहां पे ना, तो इसको मैं mg ही रहने देता हूं। ओके, अब यहां n की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 बाई थ्री एम जी, तो ये हो जाएगा 2 बाई थ्री एम जी, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा मैं x h अपॉन cos 30, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई टू। ओके, तो ये खत्म, एम जी से एम जी खत्म। ओके, ये आ जाएगा मेरे पास h अपॉन l का रेशियो बताना है, तो ये 3√3, 4 इधर जाएगा 4 से 4, तो 3√3 बाय 16, दिस इज व्हाट h बाय l, तो h बाय l इज व्हाट 3√3 बाय 16, तो ये दोनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं मेरे पास थर्ड ऑप्शन में, तो फाइनली यहां से मेरे पास दोनों चीजें मैंने सॉल्व कर ली। सबसे पहले मैंने फोर्स इक्वेशन अप्लाई की, फोर्स इक्वेशन में सबसे पहले y डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना, और ये x डायरेक्शन में, इसको लिख दूंगा मैं एफ एक्स नेट जीरो, और इसको मैं लिख दूंगा एफ वाई नेट इज जीरो, तो इससे हमारा ये जो है पूरा प्रोग्राम जो है ये सेट होता है, और ये सारी इक्वेशन हमने सॉल्व की। रॉड का एक क्वेश्चन पहले भी किया था, सिंपल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ओके बच्चों, नोट करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे ध्यान रखने पावर थ्री है, टी की पावर थ्री एंड बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा बीटा इज दिस एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आर वैक्टर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, एल्फा टी क्यूब आई केप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे केप, अल्फा की वैल्यू आप डाल दें तो ये कितना आएगा 10 बाय 3 टी स्क्वायर आई केप, और बीटा की वैल्यू आप डाल दें तो ये कितना रहेगा 5 टी क्यूब और 5 टी स्क्वायर जे केप, ये हो जाएगा आर वेक्टर। बाद में आपसे वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ओरिजिन के अबाउट, फोर्स और ये सब आपसे पूछे गए हैं, तो चलो अपन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं ना उनको अप्लाई करना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। आगे पोजीशन वेक्टर मैंने लिख ही दिया, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना है, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए तो अब इस केस में जब आप वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर
जस्ट अ मिनट, तो वेलोसिटी वेक्टर की जब हम यहां पे बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, टेन बाई थ्री टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री टी स्क्वायर आई के, फाइव टी स्क्वायर का टू टी जे के। सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा टेन टी स्क्वायर आई के प्लस टेन टी जे के, ये हो जाएगा v। एंड देन एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, v का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ट्वेंटी टी आई के प्लस टेन जे के, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मास मिल जाएगा। तो मास की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है ना। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, 0.1 इनटू एक्सेलरेशन, 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2t i k, दिस इज व्हाट, 2t i k प्लस 10 j k, ओके ये आ जाएगा फोर्स। अब हमें ये सारी वैल्यूज, अब इन्होंने क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है वेलोसिटी और ये सारी वैल्यू वन सेकेंड पे पूछिए, तो वन सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू वन, आर कितना आएगा, आर आएगा टेन बाय थ्री आई के प्लस फाइव जे के। वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा मेरे पास टेन, टी की जगह वन डालोगे तो टेन आई के प्लस टेन जे के। फिर उसके बाद फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा मेरे पास टू आई के प्लस, सॉरी टेन भी तो हट के वन हो जाएगा ना, यहाँ पे वन आ जाएगा, वन जे के, तो टू आई के प्लस वन जे के, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हमसे और भी कुछ पूछा है, एक तो वेलोसिटी पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं फोर्स, फोर्स की वैल्यू इन्होंने ऑप्शन में गलत दिया हुआ है ना, तो ये अपना फोर्स वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन वेलोसिटी वाला सही है, थर्ड ऑप्शन फोर्स वाला जो है वो गलत है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की। तो एंगुलर मोमेंटम एल कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस पी, पी का मतलब क्या होता है एम वी, तो एम को बाहर निकाल लो, आर क्रॉस वी, ठीक है। एम की वैल्यू तो है 0.1, आर कितना है मेरे पास, आर है टेन बाई थ्री आई के प्लस फाइव ऑफ जे के, क्रॉस वी दिस इज टेन आई के प्लस टेन जे के, ओके। तो 0.1 आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा 100 बाई थ्री, आई क्रॉस जे होता है के के, माइनस ऑफ जे क्रॉस आई तो माइनस ऑफ 50 के के, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0.1, 100 माइनस 150 दैट इज माइनस 50 बाई 3 के के, तो ये आएगा मेरे पास माइनस ऑफ 5 बाई 3 के के। अब माइनस 5 बाई 3 के के, इन्होंने हमें ऑप्शन सेकंड में यही दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम माइनस 5 बाई 3 के के, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ में इन्होंने हमसे एक और चीज पूछी है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो टॉर्क भी आर क्रॉस एफ से आप निकालेंगे। तो एक बार आप यहां तक तो लिखे बच्चों, है ना। अब टॉर्क के लिए मैं इसको मिटाता हूं ना, आप एक बार यहां तक नोट कर ले, तो टॉर्क हो जाएगा इस केस में आर क्रॉस एफ, R is 10 by 3 I k 5 j k cross 2 I plus j k. So this will be I cross I करोगे 0, I cross j कितना हो जाएगा k, तो 10 by 3 k k minus of 10
के अगेन सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस 10/3 के। तो क्या ऑप्शन यही दिया हुआ है? तो ऑप्शन में यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, 5 और 2 10 और 10 और 10, तो अपने पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू इतना है, आर की वैल्यू भी इतनी है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/3 आई और 5 × 2 − 10 सॉल्व करोगे तो ओके यहाँ −20 बन जाएगा, 10 नहीं −20, और यही अपना ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। फर्स्ट में दिया है वेलोसिटी, सेकंड में दिया है एंगुलर मोमेंटम, तो वेलोसिटी वाला ऑप्शन सही है, एंगुलर मोमेंटम वाला ऑप्शन सही है, और एक टॉर्क वाला ऑप्शन सही है। क्या चीज गलत दे रखी इन्होंने ऑप्शंस में, इन्होंने ऑप्शन में फोर्स की वैल्यू गलत दी है ना, तो अपना फोर्स जो आ रहा है इन्होंने उल्टा दिया हुआ है। तो अपने तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, फोर्स को छोड़ के बाकी ऑप्शन सही है। ओके बेटा, तो यहाँ तक अपना ये ऑप्शन क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट करें एक बार बच्चों। यहाँ पे 10th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम में एक 4m मास की डिस्क है, जिसको एक l लेंथ की रॉड से अटैच किया हुआ है, और एक m मास की डिस्क है, a और 2n की रेडियस है। सिस्टम पूरा ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे घूमते घूमते पूरा इसके जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। ओके, फिर आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जब ये सिस्टम घूमेगा ना, एक बार हम सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सिस्टम में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक सरफेस गिवन है, उस सरफेस पे आपको एक डिस्क गिवन है, एक डिस्क ये और दूसरी डिस्क ये, ठीक है। इन दोनों डिस्क में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन एल दिया हुआ है, और इतना ही फिर सेपरेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है सरफेस और इस पॉइंट के बीच में। ओके, और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको जेड अपन एक एक्सिस जेड है। ये लेंथ आपको एल दी हुई है और ये लेंथ भी एल दी हुई है। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ये रेडियस है ए और ये रेडियस है 2a, ये पूरा कॉन्टेक्ट में है यहाँ पे ना, ये है 2a, और ये पूरा सिस्टम इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। अब आपको इसी को आगे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन से एक बार आप पढ़ लें, हम एक बार इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इस केस में यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब सिस्टम घूम रहा है ना, तो इसके पास दो तरह के मोमेंटम होंगे। एक तो इस तरह से घूम रहा है, इसलिए एक मोमेंटम होगा L1 और एक मोमेंटम होगा ये L1 मोमेंटम का अगला आएगा L2, तो एक मोमेंटम L2 भी आएगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और यहां से ये वाला एंगल बन जाएगा 90 − थीटा। ओके, L1 के लिए जो एंगुलर स्पीड होगी वो होगी अपने पास ओमेगा 1, और L2 के लिए जो स्पीड है इसको अपन मान लेते हैं ओमेगा 2। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, इस डिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूं, है ना। ये m है, ये है 4m। तो सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस अपन कर लेते हैं। देखो, एक तो ये ट्राइंगल बना देते हैं, ये L, ये A, ये थीटा। तो L की वैल्यू कितना है, √24a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 ऑफ a, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि √24/5, और sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 1/5। ओके, ये बेसिक्स थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। फिर यहाँ पे जो इस सेंटर की स्पीड आएगी v2 और इसकी स्पीड आएगी v1, वो v1 v2 आप कैसे निकालोगे, v1 हो जाएगा ओमेगा इंटू ए एंड v2 क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2a। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है ना भाई, आपको दिया था ना एक प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है, तो उससे v1 v2 निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r1 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा अपने पास, l 4m अपॉन 4m प्लस m, तो दिस वुड बी 4L/5। ये 4L/5 ये आ गया R1 की वैल्यू। जैसे ही R1 की वैल्यू आएगी, नाउ अब हम बात करते हैं इसमें, देखो हमसे क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो L1 बताना है, L1 क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, दिस विल बी हाफ ma² I·ω से कर रहा हूँ मैं ना, और हाफ 4m × 2a² ओमेगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 17/2
एम ए स्क्वायर ओमेगा, दिस इज एल वन, ओके। तो ये एल वन आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें इन्होंने पूछा है कि जो एंगुलर स्पीड है सेंटर ऑफ मास की वो कितनी है। तो सेंटर ऑफ मास की एंगुलर स्पीड बताने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट आएगा बेटा। देखो हमारे पास ये देखें कि जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो देख पॉइंट है ना, वो पॉइंट जो है वो केवल इस तरह से जेड एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट जितने टाइम में सेंटर ऑफ मास चक्कर लगाएगा उतने टाइम में ये वाला सेंटर भी चक्कर लगाएगा और ये वाला सेंटर भी चक्कर लगाएगा। तो चाहो तो आप C1 के लिए बात कर लो, चाहो तो C2 के लिए बात कर लो, है ना। तो यहां पे ओमेगा मैं कैसे निकालूंगा, देखो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं अपन, है ना। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आर वन डिवाइड बाय वी वन। आर वन कितनी डिस्टेंस है, देखो इस जेड एक्सिस के अबाउट ये डिस्टेंस है ए के बराबर, सॉरी फाइव ए के बराबर। तो आर वन हो जाएगा मेरे पास 2 पाई फाइव ए डिवाइड बाय ओमेगा ए, है ना। और इस टी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाय ओमेगा डैश, है ना, इक्वल्स टू दिस 2 पाई बाय ओमेगा डैश। सॉल्व करेंगे तो इससे ओमेगा डैश कितना आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा बाय 5। ये पूछा गया था आपसे, ऑप्शन में पूछा गया था कि जो सेंटर ऑफ मास की असेंबली, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो z एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास की जो एंगुलर स्पीड आएगी दैट विल बी ओमेगा बाय 5। फिर नेक्स्ट हमें पूछा गया है ये l2 की वैल्यू पूछी गई। देखो l2 क्या आएगा, l2 हम ही देखते हैं कि इस l2 के लिए पूरा सेंटर ऑफ मास यहां पे ना, तो सेंटर ऑफ मास से l2 की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं rcm, ये डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा m नेट आर सी एम ओमेगा टू इंटू आर सी एम। अब सबसे पहले तो ओमेगा टू पता करना होगा। तो देखो जो वी वन स्पीड है ना उसको आप ओमेगा टू की टर्म्स में क्या लिखोगे, ओमेगा टू इंटू एल। तो वी वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओमेगा टू इंटू एल, या वी वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो ओमेगा टू इंटू एल, या वी वन को ऐसे भी लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा टू क्या आ जाएगा, ओमेगा ए बाई एल, और एल कितना है बेटा आपके पास, एल है रूट ऑफ 24 ए। तो ये ओमेगा टू आ गया। यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो एम प्लस फोर एम, ओमेगा टू की वैल्यू है ओमेगा बाई 24 रूट में, और आर सी एम का स्क्वायर करना है तो आर सी एम कितना हो जाएगा, एल प्लस फोर एल बाई 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 ओमेगा बाय 24 एम, और ये हो जाएगा 81 एल स्क्वायर बाय 25। तो एल की वैल्यू फिर आप 24 रखोगे, तो फिलहाल देखो इसको एल ही रख देता हूँ, चलो, है ना। एल क्या आ जाएगा, ओमेगा ए बाय एल, ठीक है, ये एल सॉरी ओमेगा 2 आ जाएगा, है ना। तो ओमेगा 2 है ना, ये ओमेगा 2 की वैल्यू हमने रख दी, तो ओमेगा 2 की वैल्यू में ओमेगा ए बाई एल की टर्म्स में रख देता हूं। तो ये हो जाएगा ओमेगा ए बाई एल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एम ओमेगा ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा 81 एल स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर 25। तो एल से एक एल कट जाएगा, ये कितना आएगा बेटा, 5 से ये खत्म 5 टाइम्स, तो ये आएगा 81 एम ओमेगा ए, और एल की जगह आएगा रूट ऑफ 24 ए बाय 5। तो ये कितना आएगा, 81 बाय 5 रूट ऑफ 24 एम ओमेगा स्क्वायर ए। क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो L2 की वैल्यू गलत दी हुई है। फिर आपसे एक पूछा है इन्होंने L2 LZ, अब LZ क्या आएगा, L2 का तो cos थीटा कंपोनेंट, तो L2 का cos थीटा कंपोनेंट माइनस ऑफ L1 का sin थीटा कंपोनेंट। L2 कितना आपके पास, देखो m ओमेगा स्क्वायर a को तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये आ जाएगा 81 रूट ऑफ 24 बाय 5, cos थीटा की वैल्यू कितना है 24 बाय 5,
माइनस ऑफ एल वन कितना था, एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर निकाल लिया, एल वन में क्या बचा, 17 बाई टू बचेगा, सॉरी एम ओमेगा ए स्क्वायर है ना, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी एम ओमेगा ए स्क्वायर, ओमेगा सिंगल पावर है तो ओमेगा तो सिंगल पावर में है और ए का स्क्वायर है ना, तो 17 बाई टू और साइन थीटा की वैल्यू कितना है 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन का केवल फर्स्ट आंसर सही है ना, ये आंसर सही दिया हुआ है, एक ये सही दिया हुआ है, बाकी ये दोनों जो ऑप्शन है ये नहीं दिए हुए, गलत दिए हुए हैं ना, तो ये L2 निकाला और ये LZ निकाला। ओके बेटा, तो ये अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का। ओके, नोट करें एक बार इसको। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में एक रोटेटिंग फ्रेम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है वो सब बताया हुआ है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक डिस्क है जो कि घूम रही है, एक उसमें डायमीटर कह लोगे, एक यहाँ पे टनल टाइप बनाया हुआ है ना, एक यहाँ पे नाली जैसा या खांचे बनाई हुई है ना, तो इसमें जो ब्लॉक है वो इस स्लॉट में हमने रख दिया। अब ये ब्लॉक शुरू में आर बाई टू पे रखा हुआ है, तो देखो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रोटेटिंग फ्रेम में, अगर देखें तो एम ओमेगा स्क्वायर आर है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्या करेगा, इसको रोटेटिंग फ्रेम में एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से ये बाहर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। मैं मान लेता हूँ किसी भी टाइम पे इसकी डिस्टेंस अगर आर है तो वो आर हमें टाइम के फंक्शन में बताना है। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए बच्चों है ना, अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ है ना, आपको थोड़ा सा ईजियर फील हो जाए इसलिए हमने डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाया। मान लो किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे, तो बाहर की तरफ इस पे क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा एफ बाई एम दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर आर, इसको हम लिखेंगे वी डी वी बाई डी आर, तो आप इसको फिर लिखेंगे वी डॉट डी वी इज ओमेगा स्क्वायर आर डॉट डी आर, फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा जीरो से वी और ये आ जाएगा आर बाई टू से आर, तो ये सॉल्व करने पे आएगा वी स्क्वायर बाई टू, ये आएगा आर स्क्वायर बाई टू और लिमिट यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको, तो ये हो जाएगा आर बाई टू से आर, तो इससे आपके पास देखो बाई टू से बाई टू तो फिर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर, ये लिमिट्स डालने का तो v हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर, वी क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, भाई डिस्टेंस कवर करने की रेट कोई, ये डिस्टेंस कौन सी है जो सेंटर से इसने कवर करी होगी ना, तो ये इसके अबाउट तो ओमेगा से घूम ही रहा है, तो अब इस केस में ये हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर, तो यहां पर डी आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर इज ओमेगा डॉट डी टी। अब जैसे ही हमारे पास आया, अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको है ना, ये इंटीग्रेशन इधर और इधर भी इंटीग्रेशन, तो जब आप यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा और उससे जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो मैथ्स के बच्चों आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है इंटीग्रेशन का वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा एल एन आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर आर बाई टू टू आर, और इधर क्या हो जाएगा जीरो से टी तक ये इंटीग्रेशन आएगा तो ओमेगा टी। ओके, तो आप यहां से जब वैल्यू डालोगे तो आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर एल एन माइनस ऑफ एल एन आर बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाई फोर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओके, तो अब इस केस में आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एल एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर डिवाइड बाई आर बाई टू इज ओमेगा टी,
ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर इज ई टू द पावर ओमेगा टी आर बाई टू। ओके, तो ये यहाँ पे अपने पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब आपको यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करना है और आर को टाइम के टर्म्स में निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर, तो आर बाई टू ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो अब पूरे तरफ स्क्वायर किया तो ये भी हट जाएगा अपने पास। अब जब ये हटेगा तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई फोर इज आर स्क्वायर बाई फोर ई टू द पावर टू ओमेगा टी। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं ना, प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ टू आर आर बाई टू ई टू द पावर ओमेगा टी। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास स्मॉल आर का एक फंक्शन आएगा, है ना। एक बार बेटा यहाँ तक नोट करें, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। तो इस केस में आपके पास जो 2R R by 2 e to the power omega t ये बनेगा, फिर इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा R square by 4 e to the power 2 omega t plus, आप इसको इधर लाओगे और इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा R square by 4। देन आप इसको डिवाइड करोगे तो आप 2 से R square by 4 को तो कॉमन लोगे, e टू द पावर 2 ओमेगा टी प्लस 1 डिवाइड बाई आर ई टू द पावर ओमेगा टी। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट आर बाई 4 ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द डिस्टेंस आर इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो योर ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। तो ये तो आ गया अपने पास क्या चीज, ये आई अपने पास पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फिर इसी के अगले पार्ट में हमसे पूछा गया है नेट फोर्स रोटेशन इनर्शियल फ्रेम में कितना होगा। ठीक है, यानी कि नेट रिएक्शन पूछा है डिस्क पे। ओके बेटा, तो अब नेट रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें रोटेशनल फोर्स भी यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो एक बार जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है उसी को हमें यूज़ करना है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमें दिया हुआ है। ओके, तो इस केस में एक बार आप यहां तक तो नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला के लिए हमें बोला हुआ है रोटेशनल फ्रेम में जो फॉर्मूला होगा वो होगा इनर्शियल फ्रेम का फोर्स, रोटेशनल फ्रेम का फोर्स का फॉर्मूला होगा इनर्शियल फ्रेम का फोर्स प्लस डू एम रोटेशनल फ्रेम में स्पीड। ओके, आई केप क्रॉस ओमेगा के केप एंड देन प्लस एम ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा के क्रॉस आर आई फिर क्रॉस में ओमेगा के केप। ओके, तो यहां पे जब आप इस रोटेशनल फ्रेम में जब आप फोर्स लिखोगे तो ये तो सिंपल एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, जो कि आई केप डायरेक्शन में, ये वही तो फोर्स है रोटेशनल फ्रेम का फोर्स, है ना, आई केप डायरेक्शन में लग रहा है। इनर्शियल फ्रेम का फोर्स हमें नहीं पता, टू एम रोटेशनल फ्रेम में जो स्पीड है इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल वी रोटेशनल ओमेगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा, आई क्रॉस के हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ जे के, और ये क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, के क्रॉस आई क्या होता है जे, और जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई,
तो ये फाइनली मेरे पास ई आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है कट जाएंगी, तो इसका मतलब एफ इनर्शियल क्या आ जाएगा, 2mv रोटेशनल ओमेगा, और जे केप इसको इधर लेके आओगे जे केप बन जाएगा, है ना, तो ये जे केप हो गया। अब इस केस में आपको यहां पर अब वैल्यू डालनी है, तो वी रोटेशनल कैसे निकालोगे आप, वी रोटेशनल के लिए आपको आर का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो वी को आप लिखोगे डी आर बाई डी टी, दैट विल बिकम आर बाय फोर ओमेगा बाहर ई टू द पावर ओमेगा टी, इधर माइनस ओमेगा बाहर आएगा तो ई टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा टी, सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन करके आपको यहाँ वैल्यू डालनी है, तो इट विल बी 2m था ना, तो 2m v की वैल्यू r ओमेगा बाय 4 e टू द पावर ओमेगा t e टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा t, ओके, तो और एक ओमेगा और है साथ में और ये जे के, तो इट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 e टू द पावर ओमेगा t माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा t, ये f इनर्शियल फ्रेम में ये आया, लेकिन ये तो साथ में इनर्शियल फ्रेम का फोर्स है जो कि अपना जे केप में लग रहा है, ठीक है, साथ में एक फोर्स और आएगा जो कि एम जी को बैलेंस करेगा, तो एफ नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो भी तो आएगा साथ में, तो ये तो कौन सा है जो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट को भाई ग्राउंड की रिलेटेड, तो ऑब्जेक्ट का एक एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड आएगी ना, तो वो स्पीड जो है वो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपके पास ही आ जाएगा, अब नॉर्मल क्या आएगा, नॉर्मल आएगा एम जी के केप के अलोंग, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास mg दिया हुआ है, तो अब आपको ये दोनों फोर्स क्लब करने हैं, तो आपके पास जो नेट रिएक्शन फोर्स आएगा r नेट, ये आएगा f इनर्शियल फ्रेम में फोर्स प्लस नॉर्मल वेक्टर एडिशन, इनका कर देना है, तो ये दोनों को वेक्टर एडिशन कर दो, वैसा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन, है ना, अगर आप केवल नॉर्मल रिएक्शन से भी आइडेंटिफाई करते तो भी आपको एक ही ऑप्शन दिखता फोर्थ, क्योंकि बाकी सब में तो mg माइनस के केप में दिया हुआ है, थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा दिया हुआ है, तो उसको देख के भी बच्चे टाइम की वजह से हो सकता नहीं पढ़ते हो, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके बच्चों नोट करें यहाँ तक, बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 13, इसमें आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दिए गई है जो कि वर्टिकल है, बाद में इसको फ्री कर दिया वर्टिकल पोजिशन से, फ्रिक्शनलेस फ्लोर का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाई बार विद द वर्टिकल इज थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट्स मोशन इज आर करेक्ट, मतलब कि एमसीक्यू है ना, तो देखो किसी भी इंस्टेंट पे जब रॉड की पोजीशन की हम बात करेंगे, तो लेट्स से इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास था वो पहले कितनी हाइट पे था, एल बाई टू हाइट पे था, ओके, फिर जब बाद में रॉड स्लाइड करेगी, तो रॉड जब इसमें स्लाइड करेगी, तो देखो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेंगे वो केवल कौन कौन से लगेंगे, मान लो किसी टाइम बाद ये रॉड मान लो इतना नीचे आ जाए स्लाइड करते हुए, तो भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लगेंगे वो केवल और केवल वाई डायरेक्शन में लगेंगे, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलो एक बार इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो मैं मान लेता हूं किसी भी इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास पोजीशन ये है, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल लेट से थीटा बन चुका है, ओके, तो अब यहां पर जैसे ही एंगल थीटा बनेगा तो इस केस में ये वाला एंगल भी थीटा है, ये लेंथ कितनी है l by 2, तो ये x डिस्टेंस कितनी आएगी l by 2 का साइन थीटा कंपोनेंट, ये कितना आएगा l by 2 का cos थीटा कंपोनेंट, और हमें पता है सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया बेटा, सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट हुआ है वो ये डेल्टा y डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, तो x cm क्या आ जाएगा किसी भी टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, अच्छा जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वही इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ से एक तो x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है और साथ में पॉइंट यहाँ से कुछ y डिस्टेंस भी तो नीचे आया, इन्होंने सबसे पहले हमें टिप A के बारे में, जो A टिप है इसका टॉप पॉइंट है, उसके लिए भी इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका जो
यहां पर टिप ए, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पॉइंट ए की ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको सबसे पहले तो उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखनी पड़ेगी। तो एक्स और वाई, डेल्टा वाई बोल देते हैं ए और डेल्टा एक्स ए, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले डेल्टा एक्स ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल बाई टू साइन थीटा। भाई जितना ये इधर आया उतना ये पॉइंट उधर गया होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच है। डेल्टा वाई ए क्या हो जाएगा, दिस इज एल, देखो ये एल है ना और ये एल का साइन थीटा, सॉरी ये 90 माइनस थीटा आएगा ना, तो एल का साइन 90 माइनस थीटा, तो एल साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये इतना आएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोल देता हूँ वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहाँ से जब आप देखो दोनों को शामिल करोगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आएगा मेरे पास एल बाई टू एक्स, ओके, या एक्स अपॉन एल बाई टू, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन एल बाई टू, एक्स अपॉन एल बाई टू विद माइनस साइन। एंड कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा आ जाएगा वाई एल माइनस ऑफ वाई अपॉन एल, ओके, ये कॉस थीटा। अब हमें बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स अपॉन एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एल माइनस वाई अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो ये हमारे पास एक बनेगा पैराबोला, सॉरी इलिप्स। तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, इसका मतलब पॉइंट ए जो है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन में दिया है पैराबोला, जो कि गलत है क्योंकि ये तो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, ओके। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो पॉइंट ए के लिए हुआ है ना, अब हम बात करेंगे यहां पे मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा मिड पॉइंट का वो होगा डेल्टा वाई सी एम। डेल्टा वाई सी एम कितना है, एल बाई टू में से एल बाई टू कॉस थीटा को माइनस कर दो तो इट विल बी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा। तो सिंपल ये एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। देन इसके बाद हमसे पूछा है कि टॉर्क क्या होगा। तो देखो टॉर्क जो है ना, मैं इस टॉर्क में इस पॉइंट बी के अबाउट ले रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट बी किसका आएगा, केवल एम जी का आएगा, वो भी एक्स डिस्टेंस के मल्टीप्लाई में। तो ये आएगा एम जी एल बाई टू साइन थीटा। तो इस केस में जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन गलत आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन बोला है कि मिड पॉइंट हमेशा वर्टिकली डाउन आएगा, जो कि सही है क्योंकि मिड पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमारे यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन जो है, थर्टीन क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे बच्चों, नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन आता है, व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज प्लेस्ड ऑन एट द बॉटम ऑफ फिक्स्ड स्टेप ऑफ हाइट आर। तो रेडियस जितनी हाइट है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एज शोन इन फिगर द कॉन्स्टेंट फोर्स इज कंटिन्यूसली अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ व्हील सो दैट इट जस्ट क्लाइम्ब द स्टेप विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग कहीं नहीं है। कंसिडर द टॉर्क अबाउट एन एक्सेस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू। तो जो एक्सिस है वो इस प्लेन ऑफ पेपर क्यू से, मतलब ये जो पेन है ना ये एक्सिस है हमारे पास इस तरह से, और आपको यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है अकॉर्डिंग टू फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे हमें वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन में, जो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन बोला है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए जो पॉइंट आपको गिवन है, दैट इज पहले ऑप्शन बोला है कि P पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट नॉर्मल फोर्स लगाएं सर्कमफेरेंस पे तो इसका टॉर्क जीरो होगा। एक बार देख लेते हैं P पॉइंट कौन सा है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस केस में सारे सिचुएशन हमने बना दी ये इसके लिए। अब आपने यहां पे P पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया दैट इज नॉर्मल, तो ये P पॉइंट पे जो फोर्स है वो इस पॉइंट के अबाउट कभी टॉर्क क्रिएट कर ही नहीं पाएगा।
तो पी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो इस केस में टॉर्क अबाउट सेंटर, सेंटर बोल दो, या आप क्यू पॉइंट से जाते हुए एक्सिस बोल दो, है ना, चलो आप क्यू पॉइंट को ही एक्सिस माना अपन ने, तो यहां पे टॉर्क अबाउट क्यू कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्यू से निकल रही है। तो इस केस में कभी भी आप चाहे कितना ही फोर्स लगा दो, इट विल नॉट टॉपल, है ना, तो नो टॉपलिंग या नो मोशन, कोई मोशन यहां नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा ना इस सर्फेस पे इस पॉइंट की वजह से, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, इस पी के फोर्स को कैंसिल करेगा और साथ में टॉर्क वाला इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों फोर्स एक्सिस से जा रहे हैं इसलिए ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई नॉर्मल क्रिएट टॉर्क क्रिएट नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर आप mg को कंसिडर करेंगे तो mg और उसको जो ग्राउंड का नॉर्मल है वो कैंसिल कर देगा, और इन दोनों का टॉर्क आपस में इक्वल एंड अपोजिट, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप पी पॉइंट पे कितना भी फोर्स लगा दो, हमेशा टॉर्क जीरो रहेगा, ऐसा बोला है, जो कि सही बात है कि टॉर्क हमेशा जीरो ही रहेगा। देन सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, फोर्स पी इज अप्लाइड नॉर्मल टू सर्क्यूम्फ्रेंस एट पॉइंट एक्स, देन टॉर्क क्या होगा। तो जब नॉर्मल टू सर्क्यूम्फ्रेंस हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्स पॉइंट पे, है ना, तो एक बार उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ये तो पी पॉइंट था। अगले केस में हमने एक्स पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब x पॉइंट पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये x पॉइंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस x पॉइंट के लिए आपको यहां पर इस डायग्राम में एक एंगल दिया हुआ है, दैट एंगल नहीं दिया हुआ है, तो अपन यहां पे एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, और आप फोर्स इस पे कैसे अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो x पॉइंट पे, ठीक है, तो कोई इंसिडेंट ऐसा भी आएगा जब हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो, ये पी पॉइंट मान लो, ये एंगल मान लो थीटा था, अब हम ऐसी सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इतना, लेट से ये ऑब्जेक्ट जो है वो इतना रोटेट हो गया होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लो इतना रोटेट हुआ होगा, ओके, तो यहां पर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, अब देखो ये F फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है, तो ये P पॉइंट, X पॉइंट जो है ना वो यहां आ गया होगा, तो X पॉइंट पे हमेशा फोर्स ऐसे ही रहेगा ना, तो ये अब यहां पर जो फोर्स है वो X पॉइंट पे फोर्स हमेशा नॉर्मल लगाया अपन ने, लेकिन ये जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है ना, देखो ये अगर थीटा नीचे था तो इस लाइन को थीटा ही तो घूमना है, तो ये यहां से थीटा ऊपर चला गया होगा, ठीक है, अब ये फोर्स जो है इसके लिए देखना, इस Q पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगी ये कितना है, R वेक्टर, तो R परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर आएगा, ओके, तो यहां पे टॉर्क ऑफ फोर्स आ जाएगा R परपेंडिकुलर इनटू F, R परपेंडिकुलर इज व्हाट, दिस इज R साइन थीटा इनटू F, फिर टॉर्क ऑफ mg कितना आएगा, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये mg इस पॉइंट पे लगेगा, तो टॉर्क ऑफ mg हो जाएगा mg माइनस mg r cos थीटा, ध्यान रखना है दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा इस केस में, नेट टॉर्क आएगा f r sin थीटा माइनस ऑफ mg, ये टॉर्क है, ध्यान रखना कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, तो mg r cos थीटा, ठीक है, अब इस केस में देखो F R mg तो कांस्टेंट टर्म्स है, यहां पे जैसे जैसे मोशन शुरू होगा, एज मोशन, मोशन अगर ऑब्जेक्ट करेगा तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, तो इस केस में ये थीटा जो है वो बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा तो कम होगा एंड sin थीटा जो है वो बढ़ेगा, तो इसकी वजह से जो नेट टॉर्क है वो भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो यहां पे जैसे जैसे मोशन होता जाएगा नेट टॉर्क की वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन है कि अगर एक्स पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, ये ऐसा बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, एक्स पॉइंट पे जो टॉर्क है वो इंक्रीज होता ही जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या बोला है कि अगर हम टॉर्क लगाते हैं एस पॉइंट पे टेंजेंशियल, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि टॉर्क जीरो नहीं है एंड व्हील कैन नेवर क्लाइंब,
तो हमें दोनों चीजें चेक करनी है कि टॉर्क जीरो है नहीं है और व्हील क्लाइम कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक तो एक बार तो ये दो ऑप्शन आप लिखें बेटा, अब हम बात करेंगे टॉप पॉइंट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं उस केस में, तो ये ऑब्जेक्ट और कुछ टाइम बाद की सिचुएशन हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लेट से अगेन मैंने इसको लाइन को थीटा एंगल घुमा दिया होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा एंगल घुमा दिया हमने। ओके, अब यहां पे हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स हमने लगाया ऐसे टेंजेंशियल, है ना, और ये हमेशा हमेशा जो है इस पॉइंट पे टेंजेंशियल जो फोर्स हम लगा रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं टेंजेंशियल, तो ये कुछ टाइम बाद फोर्स ऐसे हो जाएगा, है ना। अब हमें इस Q पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी देखनी होगी। ओके, तो यहां पर सबसे पहले एक और फोर्स कौन सा लग रहा है, mg का, और एक इसका नॉर्मल लग रहा होगा वो, लेकिन वो टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस से जो फोर्स की डिस्टेंस है वो फोर्स की डिस्टेंस कितनी आएगी। फोर्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से रखता है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क ऑफ एफ कितना आएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दैट इज आर इंटू एफ। टॉर्क ऑफ एम जी कितना आएगा, जैसा पहले आया था एम जी आर कॉस थीटा, ये टॉर्क किधर आएगा क्लॉकवाइज, ये टॉर्क किधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस केस में जो नेट टॉर्क बनेगा दैट विल बी आर इंटू एफ माइनस ऑफ एम जी आर कॉस थीटा। अब देखो जैसे जैसे मोशन होगा, अगेन मोशन होगा तो ये थीटा तो बढ़ता ही जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लाइम कर रहा है ना, तो थीटा अगर बढ़ेगा, है ना, ये जो P पॉइंट है ना, मैं इसकी लाइन के एंगल को मेजर कर रहा हूँ बेसिकली रेफरेंस से, पहले P पॉइंट देखो यहाँ था, तो ये QP लाइन का एंगल जो है उसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो QP लाइन इतना घूमी होगी ना, तो जैसे जैसे मोशन होगा ये एंगल तो और बढ़ेगा, तो मोशन होगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, इसकी वजह से जो टर्म माइनस हो रही है वो भी घटेगी, तो टॉर्क नेट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो इस केस में नेट टॉर्क जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहां इन्होंने क्या बोला था कि जो टॉर्क है जब आपने फोर्स ऐसे लगाया तो टॉर्क जीरो नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैन नेवर क्लाइंब, ये चीज गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लाइंब तो करेगा ना, अगर टॉर्क हो सकता है टाइम के साथ कम होता तब तो हो सकता है कि वो नहीं चढ़ पाता, लेकिन जब उसने स्टार्ट कर ही दिया मोशन, है ना, फोर्स आप सफिशियंट फोर्स लगा रहे हो कि स्टार्टिंग में अगर वो चढ़ना शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग में देखो जब थीटा जीरो है ना तो टॉर्क की वैल्यू मिनिमम है, लेकिन जब बाद में टॉर्क बढ़ता जा रहा है, फोर्स चाहे कॉन्स्टेंट लेकिन टॉर्क बढ़ रहा है, थीटा कम, थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम हो रहा है, तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू कॉन्स्टेंट, एक तो नॉन जीरो है, यहां तक तो ठीक है ऑप्शन, लेकिन ये बोल रहा है व्हील कैन नेवर क्लाइंब, ये लास्ट में स्टेटमेंट गलत है, व्हील नेवर कैन नेवर क्लाइंब ये गलत है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसमें पीछे नेवर क्लाइंब जो लिखा है वो गलत है। देन इसके बाद ये बोल रहे हैं कि पी पर अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो क्या होगा, अगेन वापस सिचुएशन बना देंगे, पी पे अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, अब इसको हटा दिया अपन ने फोर्थ ऑप्शन चेक करने के लिए, अब हम पी पे जब टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो अगेन यहां पे ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये P पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया F, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो तो 2R की इक्वल होगी ना, तो ये R परपेंडिकुलर हो जाएगा 2R, तो यहां आ जाएगा 2RF माइनस ऑफ एम जी आर कॉस थीटा, तो अगेन यहां पे देखो थीटा बढ़ेगा तो टॉर्क नेट बढ़ेगा, तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट चढ़ता ही जाएगा। इन्होंने क्या बोला इस ऑप्शन में कि जब टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क डिक्रीज होगा कंटिन्यूसली, जबकि ऐसा नहीं है, टॉर्क तो हमेशा इंक्रीज होता ही जाएगा, डिक्रीज तो नहीं होगा ना, तो इस तरह से आपका ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत, तो इस केस में केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। ओके बच्चों, नोट करें एक बार यहां तक। बच्चों यहां पे अगला क्वेश्चन, एक और पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में आप एक रिंग को ऐसे अपनी उंगली पर रख के ऐसे घुमा रहे हो, तो आपकी उंगली भी एक कोन के शेप में घूम रही है और साथ में रिंग भी इस पे के ऊपर घूम रही है, ठीक है, और कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है। ओके, इस तरह से बोला हुआ है, तो इस तरह से उंगली जो है वो एक कोन का शेप बना रही है और रिंग उसके ऊपर घूम रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो इस सिस्टम में जो एक्सिस होगी वो एक्सिस किस तरह से होगी, देखो यहां पे सबसे पहले तो आपको एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है, वो एक उंगली के रिलेटिव घूम रही है, तो उंगली की जो रेडियस है घूमने की, वो मैं मान लेता हूं उंगली जो है वो स्मॉल आर रेडियस पे घूम रही है,
तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से है, इस एक्सिस के अबाउट रिंग भी घूमेगी और इस एक्सिस के अबाउट जो है वो डिस्क भी घूमेगी। तो ये आर रेडियस, ये रेडियस कितना था स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली बचेगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ओके। और यहां पे ये बाकी जो डेटा अपने पास दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आर। तो अब इस केस में हमें सबसे पहले तो इन्होंने क्या पूछा है, स्पीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग। चलो काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए एक बार हम यहां पर आ जाते हैं। अब एक बार हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू देखेंगे तो जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे अगर रिंग की जो पोजीशन है वो इस तरह से है, ओके, और यहां पे फिंगर जो है वो अभी इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है। जब ये रिंग किसी टी बाय फोर टाइम बाद, देखो ये घूमने की स्पीड गिवन है ना, टी बाय फोर टाइम बाद जब ये घूम के ऐसे आएगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका भी पाई बाई टू रोटेशन पूरा हो गया और यहां से जो फिंगर है उसका भी पाई बाई टू रोटेशन पूरा हो गया। तो इस केस में ये जो रोटेशन है दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी, तो जो फिंगर की रोटेशन स्पीड है वही रिंग की रोटेशन स्पीड होगी, तो ओमेगा रिंग विल बी सेम एज ओमेगा फिंगर, दिस इज ओमेगा नॉट, ओके। नाउ हम ये हमें देखना है कि इनमें जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस, यहाँ पे कौन सी बेटा, जो बीचों बीच से जाने वाली लाइन है, दिस इज एक्सिस, है ना। अब यहाँ से जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है ये डी डिस्टेंस और ये हो जाएगा ICM, तो यहाँ से जो ICM है वो हमें पता है, इसके अबाउट एंगुलर स्पीड पता है, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग विल बी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग will be half I omega square, half I को मैं लिखूंगा ICM plus MD square omega not square, तो यहां पे ICM की वैल्यू कितना हो जाएगा, ICM will be MR square by MR square and MD square की वैल्यू हमें लिखनी है, तो this is MR square प्लस एम आर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से क्वेश्चन जेई में बोनस डिक्लेयर किया गया था। देन इसके बाद हम 16 की बात करते हैं, जिसमें पूछा है कि मिनिमम एंगुलर स्पीड जिससे कम होते ये जो रिंग है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी, तो एक बार हम वापस रिंग का FBD यहीं पे बना के देखते हैं। इसमें और फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो देखो यहां पे एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, एक इधर से फ्रिक्शन लगेगा, एक इधर से MG लगेगा, और एक एक्सिस के फ्रेम में देखेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नॉर्मल बैलेंस करेगा, भाई रिंग ओवरऑल देखा जाए तो ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नॉर्मल जो है वो किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा FCF दैट इज M ओमेगा स्क्वायर आर, जो सेंटर की डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस स्मॉल आर, एंड जो MG है बैलेंस रहने के लिए वो लेस देन होना चाहिए म्यू इंटू एन से, सो MG लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, इसका मतलब ओमेगा जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम सेम खत्म जी अपॉन म्यू आर माइनस आर, तो ये खत्म और यहां रूट लगा दो तो ये आपके पास आ जाएगी एंगुलर स्पीड जी अपॉन म्यू आर माइनस आर, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इसके ऑप्शंस हमने चेक किए, एक बार तो हमने सिंपल ये एंगुलर स्पीड का रिलेशन निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल ली जो कि सिंपल पार्ट था, और उसका सिंपल फोर्स डायनेमिक्स हमने सॉल्व किया, और ये कंडीशन किसकी है, यू है रिंग विल रिमेन स्टेशनरी इफ रिंग विल नॉट स्लाइड, ठीक है, स्लाइड का मतलब नीचे नहीं गिरेगी अगर ऐसा होगा तो, ओके। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं
कि ये रिंग जो है वो स्टेशनरी है, एक्सिस के फ्रेम में देखे तो ये आगे पीछे नहीं जा रही है और साथ में वाई एक्सिस में देखे तो ये ऊपर नीचे भी नहीं गिर रही है, इसलिए अपना ये ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दी हुई है ऑफ मास एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला गिवन है, क्या गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज के आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, सो दैट विल बी माइनस ऑफ के बाई 2 2 आर। माइनस रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट दिस इज द सेंट्रल फोर्स, सेंटर की तरफ लगेगा, तो यही फोर्स क्या करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर इज के आर। तो v कितना हो जाएगा यहाँ पर, के आर बाई एम, ये तो वेलोसिटी आ जाएगी सिंपल, ये अपना एक ऑप्शन तो आ गया है ना। उसके बाद आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है, l क्या होता है, एम वी आर, तो m की वैल्यू, v की वैल्यू और साथ में r की वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे r की जगह आप कैपिटल R रखेंगे क्योंकि r इसकी रेडियस है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बाकी दोनों ये गलत हैं, तो आपका सेकंड और थर्ड जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करें इसको। इसके बाद 18th क्वेश्चन में आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है 1 kg मास का जो कि ओरिजिन पे है, फोर्स इस पे हमने लगाया अल्फा टी प्लस बीटा आई के जे के। ओके, तो इस फोर्स से हमें फिर एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी एंड देन पोजीशन फाइंड करना है, तो एक बार हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने की और फिर आपको टॉर्क निकालना है, उसके अलावा वेलोसिटी निकालनी है और मैग्नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज अल्फा टी आई के प्लस बीटा जे के, तो अल्फा टी आई के प्लस बीटा जे के। नाउ फोर्स बाय मास इज व्हाट, एक्सेलरेशन, सो अल्फा बाय एम टी आई के प्लस बीटा जे के, और यहां पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 गिवन है, मास भी 1 गिवन है, तो वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे तो ये सिंपल आएगा 1/1 टी आई के प्लस 1 jk, सो एक्सेलरेशन विल बी टी जे के। एक्सेलरेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा a डॉट डी टी, तो सिंपल t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 ik प्लस jk, एंड देन जब आप इसी को इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रख दिया अपन ने, फिर जब आप इसी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन क्या मिलेगा, तो r विल बी दिस। अब पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें यहां पर 1 सेकेंड पे टॉर्क आपको गिवन है, तो आपको यहां पे इक्वेशंस ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू बतानी है, तो टॉर्क क्या होता है, तो सबसे पहले तो 1 सेकेंड बाद हम फोर्स निकाल लेते हैं, एट टी इक्वल्स टू 1 फोर्स विल बी 1i + 1j, वी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 1i + j, वेलोसिटी विल बी 1/2i + 1j, एंड आर विल बी 1/6i + 1/2j। नाउ टॉर्क विल बी वॉट, आर क्रॉस एफ, तो 1/6i + 1/2j क्रॉस 1i + 1/2i × i तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 kk i × j माइनस ऑफ 1/2 kk। सॉल्व करेंगे इसको तो 6 LCM आ जाएगा, 1 - 3 kk
दैट विल बी माइनस ऑफ 1/3 के। तो आपसे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा 1/3। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है, इन्होंने बोला है कि टॉर्क जो है वो प्लस के केप में लग रहा है, जबकि टॉर्क कहाँ लग रहा है, टॉर्क लग रहा है माइनस के केप में। फिर इसका थर्ड ऑप्शन बोला है वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, 1/2 अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 1 + 2j, तो ये वेलोसिटी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है t = 1 पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/6² + 1/2² तो यहाँ हो जाएगा 1/36 + 1/4, ये हो जाएगा 9/36 10/36। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए मेरा ये डिस्प्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो है वो फिर किसमें गलत है। तो अपना केवल फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चों, नोट करें यहाँ तक। बच्चों 19th क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, जिसमें आपको एक रिंग और डिस्क को इनिशियली रेस्ट में बोला हुआ है साइड बाय साइड, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन पे इनको पैरेलल में रख दिया। टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, दे स्टार्ट रोल विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल होना शुरू करता है इस तरह से, तो इसने मान लो सपोज करो कि ये एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक ही ये पोजिशन पे रखी हुई है, तो इसमें हम हाइट को h मान लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin θ 1 + k² / r². देन इस केस में आपको यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि दोनों जो है वो अगल बगल में, यानी कि पास पास ही रखी हुई है, और आपको यहाँ पे हाइट की टर्म्स में इनमें डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है टाइम का। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस सपोज एल है, तो हमें डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको लगाएं तो टाइम हो जाएगा 2s/a, s को मैं लिखूंगा h/sin θ, और ये हो जाएगा g sin θ, ये हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको यहां पे ये मिल जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा √2h/g, ओके, डिवाइड बाय sin θ। तो ये इस तरह से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। sin θ आपको गिवन है। अब यहां पे आपसे हाइट पूछी गई थी, इसलिए हमने फॉर्मूला जो है वो हाइट के टर्म्स में लिखा है। अब यहाँ पे आपको देखो, जिसका k स्क्वायर ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, k किसका ज़्यादा, रिंग का, इसका मतलब टाइम ऑफ रिंग माइनस टाइम ऑफ डिस्क, है ना, ये आपको डेल्टा टी है। तो बाकी सब तो चीज़ें सेम है, तो 1/sin θ सब में आएगा, √2h/g सब में आएगा, केवल यहाँ √1 + k² / r², रिंग के लिए कितना होता है √2 माइनस यहाँ आ जाएगा √3/2, दैट इज, अब ये टाइम कितना दिया आपको, 2 - √3/√10। ओके, अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2/√3। अब जैसे 2/√3 है, 2h/10, यहां पर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3/√2, ओके, एंड दिस इज 2 - √3/√10। सॉल्व करेंगे तो √10 से √10 खत्म हो जाएगा, 2/√3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √10 से √10 खत्म, तो इसको सॉल्व करेंगे √2 से √2 खत्म, तो आपके पास h विल बी, जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2/√3, √h is 1,
सो एच विल बी 3/2 मीटर। तो इस केस में आपके पास एच जो आएगा, लेट्स से सॉरी 4 है ना, तो यहाँ पर आएगा 4, 2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 3/4 दैट इज 0.75 मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.75। ओके, तो सिंपल डेल्टा टी का फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, और सारा आपको हाइट पूछी गई थी इसलिए फॉर्मूला आपको हाइट के रूप फॉर्म में ही रखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम, नोट कर लें यहाँ तक। बच्चों आपको एक मेज़द कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, इस मेज़द कॉलम में आपको कुछ पाथ इक्वेशंस भी बने और साथ में यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि किसका कंजर्वेशन फॉलो होगा और किसका नहीं फॉलो होगा। तो एक बार हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक पाथ गिवन है एंड द पाथ इक्वेशन इज अल्फा टी आई के प्लस बीटा टी जे के, दिस इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन टू यू। नाउ टू फाइंड वेलोसिटी वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस, सो वेलोसिटी विल बी डी आर बाय डी टी, और ये क्या हो जाएगा अल्फा आई केप टी का डिफरेंशिएशन 1 एंड बीटा जे केप। अब देखो आप जब वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, देखो ये टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होगा, फोर्स जीरो। फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होगा, टॉर्क जीरो। जब फोर्स ही नहीं लग रहा, टॉर्क भी नहीं लग रहा है, टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या होगा, एल कांस्टेंट। ठीक है, साथ में हम फोर्स को कैसे लिखते हैं, डी यू बाय डी आर जीरो, इट मीन्स यू इज वॉट, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ एनर्जी कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर एक साथ देखें, देखो काइनेटिक भी कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट, इट मीन्स टोटल एनर्जी ई भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्योंकि टॉर्क जीरो है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम भी तो कांस्टेंट आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में पांचों पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लें बेटा। अब सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आर इज, आर के लिए इक्वेशन आपको गिवन है अल्फा कॉस ओमेगा टी आई के प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे के। सो दिस इज अल्फा कॉस ओमेगा टी आई के प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे के। नाउ इन दिस सिचुएशन वी विल बी डी आर बाई डी टी, दिस इज अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई के माइनस साइन के साथ एंड बीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे के। फिर वापस आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, अच्छा इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, स्पीड आएगा अल्फा ओमेगा बाहर आ जाएगा रूट में, तो ओमेगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये आएगा कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे डीवी बाय डीटी से, तो वापस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अल्फा साइन की जगह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आई केप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे केप, बाकी मैंने जो टर्म थी वो बाहर निकाल ली इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, देखो एक्सेलरेशन हमेशा जो है ना वो आर के अपोजिट आएगा, तो इस केस में फोर्स जो है वो हमेशा कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स फिर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर,
तो इट मीन्स इट इज ए सेंट्रल फोर्स, ओके। और यहाँ पे जो पाथ इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स और वाई की एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो पाथ इक्वेशन बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस केस में फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है मतलब कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स के केस में हमेशा ध्यान रखना टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में नेट वर्क डन जो है वो जीरो आएगा, ओके, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस केस में वर्क डन बाय फोर्स क्या आएगा, जीरो। अब जैसे ही वर्क डन बाय फोर्स जीरो आएगा तो इस केस में हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ई वो कंजर्व रहेगा। तो ई इस केस में कांस्टेंट है, ओके। तो यहां पर हमारे पास ई कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं देखो वेलोसिटी वेरिएबल है इसका मतलब मोमेंटम भी वेरिएबल होगा, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं आएगा, है ना। तो वी जो है वो वेरिएबल है, इट मीन्स मोमेंटम भी क्या होगा, वेरिएबल, ये कंजर्व नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे टॉर्क की, तो सॉरी एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो देखो फोर्स और वेलोसिटी आर क्रॉस एफ की हम बात करते हैं, तो इस केस में देखिए आर क्रॉस एफ, आर और एफ एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, तो इस वजह से आर एफ और इनमें एंगल कितना है साइन 180 का, इस वजह से क्या आएगा टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है, एल जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो यहां एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एनर्जी कंजर्व है, लेकिन एक बार हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा यहां पर इस केस में, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, तो इट विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर डॉट डी आर, ये माइनस पहले से और एक माइनस और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू, दिस इज व्हाट डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इस केस में जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है और आर यहां पे चेंज होगा, आर कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आर इस केस में जो है इसका मतलब डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर जो होगा इस केस में वो वैल्यू कांस्टेंट आएगी इस केस में, तो इस केस में आर एफ टी का फंक्शन है, इसका मतलब टाइम का फंक्शन है, तो आर जैसे ही टाइम का फंक्शन होगा एनर्जी भी क्या होगी, टाइम का फंक्शन हो जाएगी, तो इस केस में एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो एनर्जी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ओके। तो इस केस में अपना यहां पे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, 2 and 5, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस केस में सर्किल नहीं बनेगा बेटा, इस केस में ये इक्वेशन जो ना इलिप्स की बनेगी, तो यहां इलिप्स आएगा, ये ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा, ओके। और ये फोर्स हमेशा किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, सेंटर ऑफ इलिप्स की तरफ इस केस में, ओके। तो ये यहां पे इलिप्टिकल पाथ आएगा। अगले में बात करते हैं, एक बार यहां तक लिखे बेटा आप, अगले इक्वेशन आपको दी हुई है अल्फा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, सो अल्फा कॉस ओमेगा टी आई केप साइन ओमेगा टी जे केप, तो आर यहां पे आ गया। अब जैसे ही आर आएगा इस केस में, यहां पे जैसे हमने आर की बात की, वापस डिफरेंशिएट करके वी निकालेंगे, तो ये वी क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे केप, एंड एक्सेलरेशन विल बी अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगेन इस केस में देखें आर वेक्टर के अपोजिट जो है वो एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आर वेक्टर के अपोजिट जब एक्सेलरेशन आएगा इस केस में, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है ना। तो अगेन फोर्स
इज सेंट्रल, सेंट्रल फोर्स होने की वजह से नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो। नेट टॉर्क जीरो अगर आएगा तो एनर्जी क्या आ जाएगी, कंजर्व। ओके सॉरी, फोर्स सेंट्रल, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहां वैलिड होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी जो है वो कंजर्व। लेकिन यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्क है, अब ये टॉर्क भी कितना आ जाएगा इस केस में, वापस फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल है, फोर्स एंड आर अपोजिट है, इसलिए टॉर्क कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो फोर्स और आर अपोजिट, इसलिए टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो इसका मतलब एल क्या आएगा, कंजर्व या कांस्टेंट। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी देखिए वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो मोमेंटम वेरिएबल, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की, ये सेंट्रल फोर्स, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अब आप यहां पे डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ डॉट डी आर, तो माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर डॉट डी आर, एक माइनस और, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ आर स्क्वायर बाई टू, देखो आर की जो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आएगी अल्फा स्क्वायर, तो इस केस में आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन पहले वाले में अल्फा बीटा अलग अलग थे ना, इसलिए कांस्टेंट नहीं थी, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बाई टू। तो इसका मतलब यहाँ पे यू जो है, इसको भी डी यू को आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे जो यू है वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी, तो यहाँ एनर्जी कांस्टेंट। फिर स्पीड की वैल्यू भी तो कांस्टेंट है, स्पीड देखो वेलोसिटी चाहे वेरिएबल है बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो केवल मोमेंटम वेरिएबल, उसके अलावा सारी चीजें, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे काइनेटिक, चाहे पोटेंशियल, चाहे टोटल एनर्जी, बाकी चीजें सारी की सारी कंजर्व है। इसी तरह से हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे, एस को एक बार आप यहां तक नोट करें, इसके बाद हमारे सामने एस ऑप्शन दिया हुआ है। एस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अल्फा टी आई के प्लस साइन बीटा बाई टू टी स्क्वायर जे के, अल्फा टी आई के प्लस साइन बीटा बाई टू टी स्क्वायर जे के। तो वी क्या हो जाएगा इस केस में, v हो जाएगा अल्फा आई के प्लस साइन बीटा बाई टू टू टी जे के। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं है, टाइम की टर्म है, इसका मतलब वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, वेरिएबल। तो वेलोसिटी वेरिएबल, मोमेंटम वेरिएबल, देन इसके बाद हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन x कंपोनेंट का जीरो, साइन बीटा बाई टू और साथ में टू, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट आएगा, फोर्स कांस्टेंट, लेकिन r तो वेरिएबल है ना, तो फोर्स कांस्टेंट है लेकिन r वेरिएबल है, इसका मतलब टॉर्क जो है वो अपन देखते हैं कितना आएगा। टॉर्क इस केस में आएगा r क्रॉस f, अब R में क्या जाएगा, अल्फा टी आई के और साइन बीटा बाई टू टी स्क्वायर जे के क्रॉस F, F कितना हो जाएगा यहां पर, टू साइन बीटा बाई टू, साथ में मास और मल्टीप्लाई करना है, तो M टू साइन बीटा बाई टू जे के। फिर इसको जब आप क्रॉस करेंगे i क्रॉस j कितना हो जाएगा k, तो 2m अल्फा t साइन बीटा बाई टू k के। तो यहां टॉर्क जो है वो वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल होने से यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, टॉर्क जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम l भी चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, फोर्स देखो ये कांस्टेंट टर्म है, फोर्स अगर कांस्टेंट टर्म है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ,
तो जो फोर्स का वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हो रही ना, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी चेंज होगी है ना, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज है लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, तो काइनेटिक चेंज, पोटेंशियल चेंज, टोटल कंजर्व, ठीक है, और बाकी फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड की तरह काम करेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक, नोट करें एक बार बच्चों। यहाँ पे आपको एक थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम और लेंथ गिवन है एल, हेल्ड वर्टिकल ऑन फ्लोर विद लार्ज फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि ये रॉड जो है वो स्लाइड नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस केस में, तो जैसे हमने यहाँ पे एक रॉड की बात की, स्लाइड नहीं करेगी, हमने इसको फ्री ऑन रिलीज कर दिया, तो किसी टाइम पे इसका जो पोजीशन है वो ये होगा, थीटा एंगल मान लो ये रोटेट हो चुकी है, तो इस केस में देखो ये पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड क्या होगी, ठीक है, जब ये एंगल 60 डिग्री बनाए वर्टिकल से। ओके, तो यहाँ पे हम बाकी चीज़ें सॉल्व करते हैं साथ में, सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना नीचे आएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा मेरे पास एल बाई टू कॉस थीटा। ओके, और पहले कितना था L by 2, तो ये जो डेल्टा H आएगा वो आएगा L by 2 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस 1 by 2 मीन्स L by 4, तो L by 2 1 माइनस 1 by 2 cos 60 की वैल्यू दिस विल बी L by 4, तो डेल्टा H यहाँ पे आ गया, तो mg डेल्टा H इज व्हाट, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो mg डेल्टा h जो है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इस केस में mg l by 4 इज व्हाट, हाफ ml स्क्वायर by 3 ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा विल बी 3g अपॉन 12, तो ओमेगा यहां पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया एंगुलर स्पीड वाला। देन इसके बाद आपको यहां पे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन रॉड के लिए आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, टॉर्क किसका आएगा, केवल एम जी का, तो इस केस में देखो एम जी का फोर्स कैसे लग रहा है ना, एम जी का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, स्लाइड होने से बचाने के लिए फ्रिक्शन ऐसे आगे लग रहा होगा और साथ में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क किसका आएगा, केवल एम जी, साथ में ये थीटा है तो एल बाई टू साइन थीटा, ये टॉर्क आएगा, तो I हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एल्फा इज एम जी एल बाई टू रूट थ्री बाई टू, तो सॉल्व करेंगे इससे तो M से M खत्म, L से ये L कटेगा, तो एल्फा कितना आएगा, थ्री रूट थ्री अपॉन फोर, और ये कितना जाएगा G बाई L, तो थ्री रूट थ्री 4 अपॉन g by l, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत आ जाएगा। ओके, तो इस केस में आपके पास अल्फा की वैल्यू अलग आ रही है, थ्री रूट थ्री अपॉन फोर एल जी एल आ रहा है, ये गलत आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड विल बी, अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा की वजह से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे रॉड का, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना आएगा, ये आएगा अल्फा इंटू आर, कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री जी अपॉन फोर एल और साथ में एल बाई टू, तो दिस इज व्हाट थ्री रूट थ्री जी अपॉन एट एल, ये तो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा की वैल्यू है 3g अपॉन 2l l बाई टू, तो दिस विल बी 3g बाई 4, तो यहां पर ये l से l तो कट जाएगा फिर, तो ये कितना आएगा मेरे पास, तो ये तो आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
तो ए टेंजेंशियल एंड दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वजह से अब देखो आपको यहाँ पे वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सॉरी वाई डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो वाई डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, देखो रॉड के लिए हम ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो वाई डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ है दैट एंगल इज 60, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आ रहे हैं। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, तो y डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ए सी पी कॉस 60 प्लस ए टी साइन 60। ए सी पी कितना दिया हुआ आपको 3g/4 1/2, ए टी कितना आएगा आपके पास 3√3g/8 √3/2, सो इट विल बी 3/8g प्लस 9/16g। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16/15/16g, ये तो आ जाएगा वाई डायरेक्शन में फोर्स। अब वाई डायरेक्शन में नेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? एम जी माइनस एन इज एम इंटू ए वाई सी एम, एम जी माइनस एन इज एम 15/16g, तो एन विल बी वॉट एम जी बाई 16। चाहिए हमें नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये सही है। और सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन 3g/4, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, एक आपसे ओमेगा पूछा था वो भी सही है। केवल क्या चीज गलत आई इसमें? अल्फा जो है, जो हमारा आ रहा है वो अल्फा नहीं दिया हुआ है, तो अल्फा वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है ना। तो ये अपना ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो यहां पे किस तरह का कंसेप्ट दिया हुआ है। इस कंसेप्ट में आपको ये बोला है कि एक फुटबॉल जो है उसको आपने इस तरह से एक गेप, उस गेप में रखा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ताकि वो पलटे नहीं। तो देखो जब आप इस केस में जब बॉल को पलटाने की बात करोगे तो देखो बॉल का जो फोर्स है एम जी वो ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर ये एम जी जिस पोजिशन तक ऐसे लग रहा है, मान लो ये ऐसे लग रहा है और ये इस तरह से आपने बनाया हुआ है, तो जब तक ये एम जी इस टिप के इधर है ना तब तक तो ये नहीं पलटेगा। जैसे एम जी टिप के इधर चला जाएगा फिर ये पलट जाएगा। तो एम जी इस तरह से है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, ये डिस्टेंस है थीटा, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो थीटा है, ये थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू है, सो साइन थीटा मैक्सिमम जब तक ये नहीं पलटे वो कितना हो जाएगा इस केस में? दिस बाय दिस आर बाय आर, सिंपल। बस यहाँ पे ये इतना सा ही क्वेश्चन था और आपका ये फर्स्ट ऑप्शन इस केस में बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप एंगल को और बढ़ाओगे तो फिर एम जी इस पॉइंट से इधर आ जाएगा, इस पॉइंट से इधर आ जाएगा, तो फिर एम जी का टॉर्क इसको गिराने की कोशिश करेगा। अभी बचाया किसने? एम जी ऐसे लग रहा है ना, तो साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन अभी इसको बचाने का भी काम कर रहा है। इस केस में एम जी और नॉर्मल दोनों आपस में बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस हुआ और साथ में यहाँ पे ये नॉर्मल टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस सरफेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा। अभी जस्ट ये मान लो कि एक इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट के अबाउट, जैसे आप और इसको घुमाओगे तो फिर ये टॉर्क जो mg का टॉर्क है ना वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा सेंटर के अबाउट, तो केवल mg का टॉर्क इसको पलटा देगा अगर हम इससे ज्यादा एंगल करेंगे तो। ओके, ये 22 क्वेश्चन। देन हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक यहाँ पे सिचुएशन गिवन है। ये बोल रहे हैं कि ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, तो अब ये बोल रहे हैं कि जब हम इसको चलाते हैं तो जब तक बेलन 50 सेंटीमीटर आगे जाता है सिलेंडर, तो उस केस में रॉड किस तरह से मूव करेगी? ओके, तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बार। देखिए यहां पे सबसे पहले ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने रॉड रखी हुई है, तो रॉड को हमने इस तरह से अटैच कर दिया,
ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस पॉइंट की स्पीड को अगर मैं v2 लिखता हूं और इसकी स्पीड को मैं v1 लिखता हूं, तो प्योर रोलिंग की वजह से रॉड के इस एंड की स्पीड भी क्या होगी, v1 होगी ना। v2 कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2r, है ना। ये रेडियस जो है वो 2r है और ये रेडियस r है, तो v1 कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू r। तो v1 जो है वो v2 से कितना होगा, इस केस में ये आधा होगा, ठीक है। अब यहां पे हम ये बात कर लेते हैं कि सेंटर की स्पीड अगर v है, तो सेंटर की स्पीड अगर v है तो v1 क्या हो जाएगा, v प्लस ओमेगा, और ये हो जाएगा v प्लस ओमेगा r। तो v के साथ टॉप पॉइंट की स्पीड में तो ये भी तो आएगा, तो इस केस में हमारे पास टॉप पॉइंट की स्पीड जो है वो आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो v2 है वो v का डबल होता है ना। हमें पता है कि v2 जो है वो ट्वाइस ऑफ v के बराबर है, तो इस केस में v2 अगर ट्वाइस ऑफ v के बराबर है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ना इस केस में, तो ये देखो v2 जो है वो ट्वाइस ऑफ vcm होगा, क्योंकि टॉप पॉइंट की स्पीड हमेशा vcm से डबल होती है। तो इस केस में मेरे पास ओमेगा 2r कितना आएगा, v के बराबर। इसका मतलब ओमेगा r कितना आएगा, v/2। ओमेगा r v/2 आएगा, तो ये आएगा v/2 प्लस v, दिस इज 3v/2। ओके, तो v1 की स्पीड अगर 2v है तो इसकी स्पीड कितना है, 3v/2। ये बोल रही है जब सिलेंडर जो है वो 50 सेंटीमीटर चला, तो सिलेंडर जब 50 सेंटीमीटर चला तो ये कहां पहुंचेगा, सिलेंडर 50 सेंटीमीटर चल के यहां पहुंच जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर चलाएगा। अब जब सिलेंडर 50 सेंटीमीटर चला है, तो उस केस में सिलेंडर के चलने की स्पीड तो v थी, है ना। तो सिलेंडर अगर v की स्पीड से 50 सेंटीमीटर चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय सिलेंडर इज vcm इंटू टी, एंड दैट इज 50। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टिप ए, ये ए पॉइंट की जो स्पीड है वो तो v1 है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v a इंटू टी, एंड दैट इज व्हाट, 3v/2 इंटू टी, है ना। वी सी एम को मैंने v/2 लिखा है, तो ये आ जाएगा 3/2 vt, दैट इज 3/2 50, सो 75। तो इसका मतलब पॉइंट जो ए है वो 75 चलेगा। ओके, तो पॉइंट ए जो है वो 75 चलेगा। अब यहां पे हमें ये देखना है कि 75 किसके रिलेटिव आया है, ये 75 है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब अगर ये सिलेंडर 50 चला, इसका सेंटर अगर 50 चला, तो जो पॉइंट ए, रॉड के पॉइंट ए होगा वो यहां से इतना आगे आया होगा, तो जो पॉइंट ए का शिफ्ट है वो आएगा ओनली 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस सेंट पॉइंट के रिलेटिव ये कितना चलेगा आगे, 25। भाई 50 पहले यहां 0 था, 50 दोनों बराबर थे सेंटर और ए, अब सेंटर 50 चला, ये उससे 75 आगे चला, तो 25 आगे चलेगा। 1 मीटर की रॉड है, अगर मैं इस एंड को एक्स की वैल्यू 0 मानता हूं, ये 25 बचा हुआ है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये एक्स आएगा 75। तो इस केस में एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी 75, सो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट। ओके, तो 75 ध्यान रखना, यहां पे पोजीशन होगी एंड ए के रिलेटिव, ओवरऑल टिप ए जो है ना वो 75 चलेगा। ओके, तो सेंटर के रिलेटिव वो 25 आगे हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ए कितना चलेगा, 75, अगर टिप सेंटर चलता है 50 तो। ओके, तो अपना ये एक और ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम 17th क्वेश्चन पे, लिखें यहाँ तक 23 4th पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म मीटर स्केल गिवन है, जिसको हॉरिजॉन्टल हमने एक्सटेंडेड, हमारे यहाँ पे इसे फिंगर पे रखा हुआ है, तो एक फिंगर और इस पे ऐसे हमने मीटर स्केल को ऐसे रख दिया। अब हम फिंगर्स को ऐसे स्लाइड करवा रहे हैं, तो देखो फिंगर्स, जैसे मान लो एक फिंगर एकदम एंड पर, दूसरी थोड़ी सी अंदर है, मैं एक बार इसको मूव करवा रहा हूँ, तो देखो ये मूव करेगी, कुछ टाइम बाद फिर मेरे पास जो दूसरी फिंगर है वो भी मूव करेगी, है ना। तो इस तरह से 1 by 1 सारी फिंगर्स मूव कर रही है, और हम किसी पर्टिकुलर पोजिशन तक आके रुके हैं। तो इसने क्या बोला है कि एक फिंगर जो है लेफ्ट वाली वो तो 0 पोजीशन पे है, और दूसरी राइट वाली जो है वो 90 की पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे एक रॉड को ड्रॉ कर देते हैं, जहां फिंगर होगी वहां पे नॉर्मल लगेगा N1 90 पे। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए,
ठीक है, यहां पे एन वन लगेगा जीरो वाली पोजीशन पर, लगेगा एन वन, एन टू लगेगा इस पोजीशन पर, ठीक है। अब इस केस में एम जी जो है, एम जी एकदम बीचों बीच लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 50, ये डिस्टेंस कितना है 40, क्योंकि ओवरऑल 1 मीटर की रॉड है। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन कॉफिशियंट आपको गिवन है 0.4, तो दिया हुआ आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशियंट इज गिवन टू यू 0.32। और आपसे पूछा है कि अगर राइट फिंगर जो है वो एक्स आर डिस्टेंस पे रुकती है और जो लेफ्ट फिंगर है वो मान लो इन्होंने स्लोली अगर मूव करवाया और वो भी कुछ डिस्टेंस पे आके रुकती है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर एक्स आर की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार हम वन बाई वन आगे चलते हैं। इन्होंने सबसे पहले किसको मूव करवाया है, सबसे पहले इन्होंने लेफ्ट फिंगर, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ फिंगर्स स्लोली टुवर्ड्स सेंटर इनिशियली ओनली लेफ्ट फिंगर स्लिप टुवर्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केल, राइट फिंगर डज नॉट, आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड राइट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग। तो कुछ डिस्टेंस के बाद देखो यहां पे राइट फिंगर जो है वो चलना शुरू करती है और लेफ्ट फिंगर जो है वो रुक जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि लेफ्ट फिंगर यहां तक आई होगी, ये एन वन, ओके, अभी तक भी ये एन टू जो है वो फिक्स था, ठीक है, और एम जी अपनी जगह लगी रहा था। फिर इसके बाद ये फिंगर मैंने मान लिया कहीं पे एक्स एल डिस्टेंस पे रुकी होगी, फिर इसके बाद एन वन रुक गया और एन टू चलना शुरू करेगा, तो ये एम जी तो यहां पे लग रहा है, एन वन यहां पे लग रहा है, एन टू लेट से यहां तक मूव करके आया होगा इस पोजीशन से, तो इस केस में ये आ जाएगा एक्स आर कोऑर्डिनेट, और यहां पे ये एन वन लग रहा है, ये एन टू लग रहा है, इसके लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स एल, एक्स आर फ्रॉम 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर 50 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल एंड लेफ्ट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग, दिस हैपेंस बिकॉज द डिफरेंस इन फ्रिक्शनल फोर्सेस। और अब यहां पे आपको पूछा है कि एक्स आर की वैल्यू क्या होगी। चलो तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है जो हमने ड्रॉ की है। सबसे पहले अब इसमें जो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसके लिए अगर आप टॉर्क बैलेंस करोगे, अब इसके लिए जब आप टॉर्क बैलेंस करोगे, टॉर्क नेट जीरो, तो mg के अबाउट n1 का टॉर्क और n2 का टॉर्क आपस में कैंसिल होंगे, तो इट मीन्स 5n1 इज 4n2, ओके। और हमें पता है n1 और n2 दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेंगे, mg को, तो इससे मेरे पास n1 n2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब ये मोशन कर रहा है, तो जब मोशन कर रहा है, जब हम इस फिंगर को मूव करवा रहे हैं, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, भाई फिंगर अगर आगे की तरफ मूव कर रही है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F1, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा FS2, क्योंकि ये फिंगर स्टेशनरी है और ये फिंगर मूविंग है, तो इसमें FK1 और FS2। तो सबसे पहले तो ओवरऑल स्केल तो रेस्ट में है ना, इसका मतलब F नेट जो है वो जीरो करना है, इसका मतलब ये हुआ कि FK1 इक्वल्स टू FS2, ये कितना हो जाएगा म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है 0.32, म्यू n1 इक्वल्स टू 0.4 n2, इससे वापस मेरे पास आएगा 4n1 इक्वल्स टू 5n2, 4n1 इक्वल्स टू 5n2, मतलब अगर कि ये 40 डिस्टेंस है तो यहां पे एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4n1 इक्वल्स टू 5n2 है ना, और इसको मैं n1 डैश कर देता हूं, इस केस में नॉर्मल रिएक्शंस भी चेंज होंगे, तो n1 डैश n2 डैश हम ले लेते हैं, ओके, ये n1 डैश, और क्योंकि पोजीशन चेंज होने से नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगा, तो n1 डैश n2 डैश आ जाएगा। बच्चों यहां पे एक रिलेशन तो ये आ गया। अब हमें जो डिस्टेंसेज गिवन है एक्सएल और एक्सआर, ये बात की जो डिस्टेंस है एक्सआर, वो भी हमें सेंटर ऑफ मास से ही गिवन है, तो एक्सएल अगर इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, तो वापस टॉर्क नेट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब n1 डैश इंटू एक्सएल इक्वल्स टू n2 डैश इंटू 40,
तो एन वन डैश की जगह हम डालेंगे 5 n2 डैश डिवाइड बाई 4 xl इज n2 डैश 40, ये n2 डैश कैंसिल आउट, तो xl कितना हो जाएगा, दिस इज 32। जैसे xl 32 आ गया, अभी xl तो 32 आ चुका है, फिर वापस जो फाइनल पोजीशन होगी इस केस में, फाइनल पोजीशन में भी वापस देखो आपको यहाँ पे एक तो 4 से 0 करने होंगे। अब आप कौन सी फिंगर को मूव करवा रहे हो, अब आप राइट फिंगर को मूव करवा रहे हो, तो राइट फिंगर पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और लेफ्ट फिंगर पे लगेगा, लेफ्ट फिंगर स्टेशनरी उस पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे तो लगेगा एफ के टू और अब इस पर लगेगा स्टेशनरी फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस वन। तो सबसे पहले तो ये रॉड जो है वो रेस्ट में है, इसलिए एफ एस वन और एफ के टू इक्वल होने चाहिए। एफ एस वन कितना हो जाएगा 0.4 × n1 double dash, इसको n1 double dash मान लेते हैं, इसको n2 double dash, और ये कितना हो जाएगा 0.32 n2 double dash। तो n1 कितना हो जाएगा 5 n1 double dash इज 4 n2 double dash। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 5 और 4 ही आ गया इस केस में, तो अब इस केस में एक हमें टॉर्क इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 करेंगे, तो एक्सएल की वैल्यू तो कितना आया था 32 आया था, तो n1 double dash 32 एंड n2 double dash और ये एक्स आर, तो n1 double dash की जगह हम डालेंगे 4/5 n2 double dash इंटू 32 इज n2 double dash एक्स आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे, एक्स आर विल बी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 128/5 एंड इट विल बी 25/6। तो 25/6 दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ फिंगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, राइट फिंगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो शुरू में जब आप यहाँ पे रख रहे हो तब तो क्या होगा, दोनों स्टेशनरी। आपने जब लेफ्ट फिंगर को चलाया तो फिंगर लेफ्ट वाली चल रही है इसलिए उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन राइट वाली पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि रॉड ओवरऑल सेंटर ऑफ मास देखो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। फिर इस पोजिशन तक आके लेफ्ट फिंगर रुकेगी, उसके बाद राइट चलना शुरू कर देगी, तो लेफ्ट वाले पे लगेगा स्टैटिक और राइट वाले पे लगेगा काइनेटिक। डिस्टेंसेज एक्सएल और एक्सआर हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही गिवन है। ओके, तो ये आपका ये एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें बच्चों। बच्चों यहाँ पे आपको एक एम मास की रॉड गिवन है, इसको हमने एक एंड से हिंज किया हुआ है और इसमें यहाँ पर आपको एक दूसरे पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये बाद में एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमेगा, तो इस केस में एक्सटर्नल टॉर्क कितना है 0। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल पोजिशन एंगुलर मोमेंटम है वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आई इंटू ओमेगा और इनिशियल कितना हो जाएगा एम वी एक्स। ओके, आई क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एक्स स्क्वायर, ओमेगा इज एम वी एक्स। तो यहां से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 3। तो सॉल्व करने पे ये फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। फिर आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम ओमेगा कब होगा, तो ओमेगा मैक्सिमम के लिए डी ओमेगा बाय डी एक्स को हम 0 करेंगे। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन 0 करोगे बेटा, तो आपको डिफरेंशिएशन करने पे इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे इजीली एल बाय रूट 3 मिल जाएगी डिफरेंशिएशन जब आप इसका 0 करोगे। तो फिर उसके बाद जब आप ये एल बाय 3 रूट 3 को यहाँ पुट करोगे तो ओमेगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास वी एल बाई रूट 3 एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एल स्क्वायर बाई 3। सो दिस इज वी एल बाई रूट 3 टू एल स्क्वायर बाई 3 एंड इट विल बी ओमेगा 2 और रूट 3 ऊपर, तो रूट 3 और एल, तो रूट 3 ये फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होता है रोटेशनल मोशन के प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस जेई एडवांस के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस की वैरायटी को काफ़ी अच्छे से देखा है और इसके बाद आपको एहसास हुआ है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन अब आखिरी का टाइम जो जेई एडवांस के लिए चल रहा है उसके लिए करनी है।
ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।